हाई एवरी वन गुड आफ्टरनून वेलकम टू एन अकेडमी कैसे है सब बच्चे दिख रहे हैं सुनाई दे रहे हैं कैन यू ऑल सी मी प्रॉपरली गुड आफ्टरनून हाउ आर यू आई होप बेटा आप लोग रेडी हैं आज के लिए एंड सबसे पहले तो यार मुझे ये बता दो आपका कल वाला टेस्ट कैसा गया कल क्या सबने उस फ्री टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया था या फिर नहीं लिया था फटाफट -फड़ से बता दो मुझे यस डिड यू ऑल टेक पार्ट इन येस्टेज टेस्ट सीरीज हाउ हाउस फुल इकोलॉजी का टेस्ट था यस yes. किस किस ने पेपर दिया था मुझे ना पता होना चाहिए कि रेगुलर बच्चे आते हैं नहीं आते हैं बस पेपर देने आते हैं क्या सीन है इनका यस yes. दिया था मुझे फटाफट -फड़ से पोल में बता दीजिए पोल में बता दीजिए कितने मार्क्स आए हाँ मार्क्स भी पूछ सकती हूँ आप पता नहीं तुम ओपनली बताओगे नहीं बताओगे 82 परसेंट ने बेटा सिर्फ टेस्ट दिया था व्हाट अबाउट द अदर्स जी बाकियों ने ये पेपर क्यों नहीं दिया क्या आप मुझे बता सकते हैं बाकियों ने बेटा जी ये पेपर क्यों नहीं दिया सबको ये पेपर देना था सबको और ऐसे टेस्ट अब हर हफ्ते होंगे एवरी संडे ट्वेल्व नून को हम ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते का सिलेबस मैं पहले ही बता देती हूँ सिलेबस रहेगा आपका फुल यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन

फॉर मी टू अपडेट दैट बट नाउ द लिंक ट्रीज प्रॉपरली सेट वहां पर आपको हर एक की पीडीएफ हर एक का सेशन का लिंक सब कुछ मैंने डाल दिया है फास्ट ट्रैक का भी और अब उसमें डीपीपी का एक अलग सेक्शन बन रहा है पहले भी डीपीपीज थी बट आपको मिलती नहीं थी बट मैंने उसको और ऑर्गेनाइज और बहुत क्लियर कर दिया है ठीक है तो लिंक ट्री पर जाकर जिसने अभी तक मेरा रिप्रोडक्शन नहीं देखा है जो अभी देख रहा है जिसने पुराना रिप्रोडक्शन नहीं देखा था जो हमने एक महीना पहले किया था प्लीज जाइए लिंक ट्री पर जाकर देखिए ल हाँ है, है? Yes, मुझे ये नहीं समझ आया संडे को कौन सा स्कूल प्रैक्टिकल रखता है या कौन सा कॉलेज प्रैक्टिकल रखता है या फिर मेरी नॉलेज से बाहर चल रहा है ये स्कूल है संडे को कौन से प्रैक्टिकल होते हैं आपका टेस्ट मैंने संडे को इसीलिए रखा है क्योंकि कोई स्कूल की आपकी यू नो फॉर्मैलिटी नहीं होती है उस दिन कोई जाना नहीं होता कुछ नहीं होता संडे को कौन सा कॉलेज पेपर रखता है यार मुझे तो नहीं समझ आ रहा भैया है यस ये ना इतनी तेज चैट चलती है अरे वाह रिद्धि चावड़ा कह रही है मैम मैंने आपसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी थी एंड स्कूल में रैंडमली मैम ने एक्सप्लेन करने को कहा एंड आई डिड शी सेड वाकई काबिलियत तारीफ है ये एक्सप्लेनेशन गुड 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 आई फील रियली हैप्पी कि यार तुम लोग स्कूल में अपनी यहां से गेन करी हुई नॉलेज प्रेजेंट करते हो और बहुत पॉजिटिवली करते हो और आपके स्कूल टीचर्स को पसंद भी आता है देखो स्कूल टीचर भी बहुत अच्छे टीचर होते हैं बट ह्यूमन फिजियो और नीट की तैयारी यहां से बेहतर तो मैं तुम्हें नहीं कहूंगी कहीं जाने की जरूरत है अगर आपने मेरे से ह्यूमन फिजियो करी है तो आपको कभी भी कभी भी अपनी एम के फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम नहीं आएगी आई हैव मेनी स्टूडेंट्स इन एम्स इन बेटा बिग बिग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस वो आज भी मुझे मैसेज करते हैं आज भी फ़ोन करके बताते हैं कि जो ह्यूमन फिजियो की जो उनकी यू नो रूट्स बनी है यहाँ से जो उनका बेस फाउंडेशन बना है हमारी क्लास से उनको एमबीबीएस में भी हेल्प करता है हम एनसीआर तो पढ़ते ही है लेकिन एमबीबीएस मैं आपको बताऊं हम कर लेते हैं क्योंकि एक तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बच्चे को और बहुत अच्छा और अब तो बेटा ह्यूमन फिजियो का बहुत अच्छा सीरीज आने वाला है आज से एक दो दिन बाद कल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म खत्म करेंगे क्योंकि मुझे आपका टेस्ट लेना था फुल यूनिट का टेस्ट सीरीज में एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ह्यूमन फिजियो वंस अगेन विद द बैंग एंड विद एन अपडेटेड वर्जन आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ऐसे भी ह्यूमन फिजियो

करें आज की कक्षा शुरू आज की कक्षा शुरू करें आज अपन ने क्या करना है अडेप्टिव रेडिएशन करना है क्या करना है बेटा जी अडेप्टिव रेडिएशन करना है तो क्या होती है अडेप्टिव रेडिएशन शुरू करते हैं सब बच्चों ने अपना पीपीएफ निकाल लिया यस yes, पीपीएफ निकालना बहुत जरूरी है हां जी मुझे लग रहा है कि तुम्हारे लिए साढ़े दस वाला टाइम ज्यादा अच्छा था हैं जिस जो हमने सैटरडे को लिया था यस yes, क्या लगता है मुझे ऐसा लगता है सैटरडे वाले सुबह वाले टाइम में तुम लोग ज्यादा एक्टिव थे ज्यादा एक्टिव थे अब लगता है सोने चले जाते हो कहा चले जाते हो आज का कोई पेपर है क्या स्कूल में कैन यू प्लीज हेल्प मी विद CBSE वालों को कोई पेपर शेपर है क्या आज है हाँ जी बेटा पेपर चल रहे हैं क्या ओके ओके प्री बोर्ड चल रहे हैं राइट 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 बेटा फ्री टेस्ट का लिंक पिन है आज भी हमारा टेस्ट है बेटा स्पेशल क्लास पे लिंक मैंने पिन कर दिया सब बच्चे एनरोल कर ले सब बच्चे साथ साथ जैसे जैसे अपने क्लास को शुरू करेंगे वैसे वैसे एनरोल कर लीजिए और क्लास में आ ही गए हो तो फटाफट से -फट सेशन -फट -फट को लाइक कर दो तुमको पता है क्लास ऐसे स्टार्ट नहीं होती जब तक जितने बच्चे नहीं प्रेजेंट है उतने बच्चे अपनी अटेंडेंस नहीं लगा देते तो अटेंडेंस का एक ही माध्यम है वो है अपना लाइक वाला बटन फटाफट से दबा दो आई एम वेटिंग ऑन नॉट में भी होगा बेटा ऑफकोर्स होगा निकॉन नूर यस yes, फटाफट से करिए जल्दी करिए ताकि बाकी बच्चों तक भी ये पहुंचे वो भी कुछ देख लें वो भी कुछ सीख लें हैं अडेप्टिव रेडिएशन फिर हम अपने अपने पढ़ेंगे हार्डी विनबर्ग फिर थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन दैट इज अ डारविन की थ्योरी लेमार्क की थ्योरी एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन एंड द ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स इसके बारे में बात करेंगे हाँ जी ओके okay. कर दो कर दो फटाफट से कर दो कम ऑन फास्टली लाइक द सेशन सो दैट वी कैन स्टार्ट जी बेटा तो अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है अडेप्टिव रेडिएशन एक मेथड है स्पीसीएशन का जिसमें बेटा एक ना कॉमन एंसेस्टर होता है एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया मान लीजिए ज्योग्राफिकल एरिया इस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर देर इज अ कॉमन एंसेस्टर एक ना कॉमन एंसेस्टर मौजूद है एक एंसेस्ट्रल फॉर्म है और इस जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग हैबिटेट है जब बेटा ये फॉर्म अलग-अलग हैबिटेट में जाती है तो वहां की कंडीशंस के हिसाब से अडाप्ट करके एक नया स्पीशी बन जाती है यानी कि वहां के तौर तरीके वो सीख लेती है जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं आप है बेटा भारत का हिस्सा ठीक है भारत का हिस्सा अभी आप कहाँ रहते हैं अभी आप रहते हैं महाराष्ट्र में रहते हैं महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है लेकिन तुम नीट की प्रेपरेशन कर रहे हो यहाँ पर कौन कौन से महाराष्ट्रियन है फटाफट -फड़ से अपना हैंड रेस करके मुझे बता दे ठीक है अब महाराष्ट्र वाले बच्चों ने नीट की तैयारी की जरूरी थोड़ा उनको महाराष्ट्र कॉलेज मिलेगा आप जानते हैं जो एट्टी सीट्स होती है वो तो स्टेट की होती है लेकिन हर कॉलेज में चाहे वो किसी भी स्टेट में है पंद्रह परसेंट सीटें किसके लिए रिजर्व है ऑल इंडिया कोटा के लिए तो यार महाराष्ट्र वाले अपने जैसे कि मैं यहाँ पर नाम पढ़ू हाँ जी शाउट आउट देना चाहिए मुझे रवि तेहरे है और सुप्रिया है एंड श्रेया है साक्षी है शीतल है राइट तो ये जो अपने महाराष्ट्रियंस हैं इसमें से मैं नाम लिख लेती हूँ कुछ बच्चे का एक है बेटा रवि तेहरे और एक है श्रेया एंड देन आई हैव सेकंड ये मुझे ऐसा लग रहा है मेरी क्लास में तो महाराष्ट्र से ही बच्चे हैं सिर्फ बनी है एक बनी ठीक है मुझे चार बच्चे चाहिए आज के लिए बनी है और है वैष्णवी पाटिल यस वैष्णवी ठीक है ये बच्चे रवि श्रेया बनी और वैष्णवी अपनी क्लास में पढ़ते हैं अभी तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं घर बैठ के पढ़ रहे हैं लेकिन बेटा इन लोगों का नीट क्रैक हो गया वाह 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 थर्टी से ऊपर नंबर आए चारों बच्चों का नीट क्रैक हो गया तो जो रवि है रवि को कॉलेज मिला पंजाब का अमृतसर का अमृतसर में कौन पहुंच गए हैं रवि वहां पे बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है देन श्रेया को बेटा कॉलेज मिला कोलकाता का ठीक है ऑल इंडिया कोटा में उसने कहा एडमिशन ले ली श्रेया ने कोलकाता में एडमिशन ले ली बनी की बात करें बनी पहुंच गए नीचे केरला में उनको बड़ा पसंद आया केरला और वहां का जीएमसी अगेन बहुत अच्छा है बनी को एडमिशन मिला नीचे केरला में देन आई वैष्णवी वैष्णवी ने एडमिशन ले लिया दिल्ली में ठीक है दिल्ली नहीं अहमदाबाद भेज देते हैं इसको वैष्णवी को भेज देती हूँ मैं अहमदाबाद ठीक है अहमदाबाद तो वैष्णवी यहां आ गई ओके तो यार रवि पहुंच गए अमृतसर श्रेया पहुंच गई कोलकाता बनी पहुंच गए के केरला और वैष्णवी पहुंच गई अहमदाबाद अब यार है तो ये चारों बच्चे मराठी स्पीकिंग है कि नहीं चारों बच्चे मराठी स्पीकिंग लेकिन बेटा जब रवि जाएंगे अमृतसर तो यार ये कोई पहाड़ा पढ़ाई ऐसी तो है नहीं कि सिर्फ अपने से ही बात करनी है कंप्यूटर में लगे रहना नहीं यहां पर पेशेंट हैंडलिंग है आपको पेशेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में सुनना है उनके सिम्टम्स के बारे में में सुनना है है अब अमृतसर जो पेशेंट आते हैं वो क्या जनरली दे आर पंजाबी स्पीकिंग ना पंजाबी स्पीकिंग तो रवि इज लाइक दिस की यार मैं तो यहाँ पर यू नो मराठी बोलता हूं ये पंजाबी तो मुझे समझ नहीं आ रही सेम प्रॉब्लम किसकी आई श्रेया को श्रेया को प्रॉब्लम आई कि यार वहां पर जो पेशेंट आते थे वो बंगाली में बोलते थे देन बेटा वैष्णवी को थोड़ी थोड़ी इशू आया वैसे तो मराठी गुजराती थोड़ा सा नजदीक है बट फिर भी गुजराती बोलने वाले थे और बनी को नीचे केरला में साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलने वाले मिले तो यार ये रवि श्रेया वैष्णवी और बनी इस जगह पर तभी सर्वाइव कर सकते हैं और तभी अपनी लर्निंग्स बेहतर कर सकते हैं अगर बेटा ये वहां के हिसाब से थोड़ा सा अडेप्ट हो जाए तो यार रवि ने कोशिश की कि मैं थोड़ी थोड़ी ना अपने दोस्त से है ना पंजाबी मित्र से पंजाबी सीख लेता हूँ बेसिक बेसिक पंजाबी कि यार इथे उथे मेनू दर्द हों हूं सब कुछ मैं सीख लेता हूँ ठीक है ताकि मैं पेशेंट से पेशेंट की बात एटलीस्ट समझ पाऊं ठीक है हिंदी में पेशेंट समझ जाएगा बट वो पंजाबी बोलेगा राइट तो रवि ने अपने मित्र से से या मेरे पंजाबी सीख ली ओके श्रेया ने भी अपना दोस्त पकड़ लिया वहां पर उससे उसने बेसिक बेसिक बंगाली सीख ली वैष्णवी भी तभी सरवाइव कर पाएगी बनी भी तभी सर्वाइव कर पाएंगे अगर वो वहां की लैंग्वेज सीखेंगे यानी कि जब आप अलग अलग हैबिटेट में जाते हैं जोग्राफिकल एरिया तो एक ही है ना

मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मैंने पहले करवा दी है तो यहाँ पर नया स्पीशी बनता है तभी इसको क्या बोलते हैं स्पीशीएशन बोलते हैं किससे बनता है फ्रॉम एनसेस्ट्रल फॉर्म एनसेस्ट्रल फॉर्म ठीक है और इस तरीके से प्रतीत होता है जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं आपने सूरज को देखा है छोटे होते हमने कितनी सीनरिया बनाई है यार ये बीच में सूरज बनाएंगे फिर यहां से ऐसे निकलती हुई रेस बना देंगे है ना रेस बना देते हैं इस तरीके से तो यार रेडिएशन भी ऐसे है कि सूरज की किरणों की तरह बीच में बैठा है कॉमन एनसेस्टर और यहां से इससे एक सेपरेट जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग स्पीशी बन जा रहा है इसको अपने लोग बोलते हैं अडप्टिव रेडिएशन नया स्पीशी बन रहा है फ्रॉम अ कॉमन एनसेस्टर ठीक है यस yes.

क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव रिलेशन एक नहीं दो नहीं हम तीन एग्जाम्पल्स करेंगे इसमें पहला जो एग्जाम्पल जिसमें से सवाल आता ही आता है एग्जाम्पल नंबर वन इज फिंचेस डार्विन किस आइलैंड में गए थे डार्विन गए थे घूमने के लिए गलापागोज आइलैंड में इट्स अ ब्यूटिफुल आइलैंड इन साउथ अमेरिका कहां गए थे गलापागोज आइलैंड में पता होना चाहिए गलापा आइलैंड उसने वहां पर क्या नोटिस किया उसने वहां पर नोटिस किया कि बर्ड्स हैं ठीक है बर्ड्स के पास बीक होती है उसने नोटिस किया कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है अपने गलापागोज में वो कैसी है ओरिजिनल पॉपुलेशन है सी डिटिंग पॉपुलेशन यस यहां पर मैं बना लेती हूं ये अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन है जो क्या खाती है सी डिटिंग यानी कि वहां की जो फिंचेस हैं वो कैसी है बट बेटा डिफरेंट डिफरेंट जब वो जियोग्राफिकल एरिया में गई ठीक है जब ये सीड है ही नहीं भैया उसके तो वहां पर मौजूद फ्रूट खाना सीख ले ठीक है वहां पर सिर्फ फ्रूट है मान लीजिए इस, इस जगह पर कोई सीड नहीं है कैक्टस है दो ऑप्शन है या तो मर जाए या फिर वहां जाकर कैक्टस खाना सीख ले वही बात है रवि वाली बात है रवि गए अमृतसर बोलनी पड़ी पंजाबी या तो वहां से भाग के वापस आ जाए कि मैं नहीं करूंगा एमबीबीएस मेरे को नहीं समझ आती पंजाबी यहां फिर वहां पर रहकर उस चीज को सर्वाइव करें और उस चीज को सीखें ठीक है तो यार यहां पर जो लोग सीख लेते हैं ना वो रेडिएट कर जाते हैं तो ओरिजिनल थी पॉपुलेशन से अलग अलग फिंचेस बनी कैसी बनी उसी आइलैंड के अंदर बेटा उनकी बीक्स जो है वो चेंज हो गई कुछ बन गई फ्रूट ईटिंग यस yes, कुछ बन गई फ्रूट ईटिंग कुछ बन गई कैक्टस ईटिंग ठीक है जगह के हिसाब से जो जो अवेलेबल था ठीक है कुछ क्या बन गई इंसेक्टी वोरस फिंच बन गई इंसेक्टी वोरस फिंच बन गई ठीक है और कुछ क्या बन गई वेजिटेरियन फिंचेस बन गई वेजिटेरियन फिंचेस बन गई कुछ क्या बन गई प्लांट ईटिंग यानी कि वेजिटेरियन ही बन गई कुछ की बड़ी शार्प बीक होगी शार्प बीक फिंच शार्प बीक्ड फिंच यानी कि डार्विन की, Darwin की finches में बदलाव कहां पर आया उनके ईटिंग पैटर्न में कैसे भाई पहले वो फ्रूट खाती थी पहले वो सीड खाती थी अब वो फ्रूट खाने लग गई देखिए बेटा देअ वॉज चेंज इन देयर बीक चेंज इन देयर बीक उनकी बीक्स में बदलाव आया जिसकी वजह से अलग अलग एरिया में जाकर उनका सर्वाइवल जो हुआ वो पॉसिबल हुआ तो यार यहाँ पर ओरिजिनल पॉपुलेशन कौन सी है इनका कॉमन इंसेस्टर कौन सा है ये सवाल आता है ओरिजिनल पॉपुलेशन इज सीड सी पॉपुलेशन उसकी बीक सीड खाने के लिए अडेप्टेड है लेकिन बेटा वहीं से अडेप्टिव रेडिएशन हुई अडाप्ट करने के लिए इन्होंने अलग अलग आइटमों को खाना शुरू किया और उनकी बीक में बदलाव आया और वो एक नया स्पीशी बन गया ये एग्जाम्पल हो गई आपकी डार्विन की फिंच की फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन Then moving on to next example of adaptive radiation. एक बात थी बात कहां की थी बेटा ऑस्ट्रेलिया की कहां की थी ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं कैंग्रूज पाउस्ट मैमल्स इनको क्या बोलते हैं अपने मार्सुपियल्स क्या बोलते हैं मार्सुपियल्स ठीक है इन मार्सुपियल्स की पॉपुलेशन में भी आई चेंज इन चेंज ऑफ स्पीशी यानी कि इसी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग हैबिटेट में इन्होंने अपने आप में चेंज लाया और ये नया स्पीशी बन गए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन इनको बोलते हैं तो यार इसमें जब अडेप्टिव रेडिएशन आई तो क्या क्या बना भैया इससे बना टाइगर कैट ये इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखना है जो जो मैं लिखती जा रही हूं इससे बना यस शुगर ग्लाइडर शुगर ग्लाइडर इससे और क्या बना बंदीकूट अब ये कैसे याद रखोगे इसके बेटा बहुत सारे निमोनिक बनते हैं बट मुझे निमोनिक और परेशान करते हैं इसमें ठीक है बंदीकूट क्वेला मार्सुपियल मोल मार्सुपियल रैट मार्सुपियल मोल ये बना हुआ है बेटा डायग्राम मार्सुपियल रैट कैंगरू ठीक है कैंगरू भी यहीं से बना तस्मानियन वुल्फ तस्मानियन वुल्फ बॉम्बैट ठीक है जी बैंडेड एंटीटर लिख दिया नहीं लिखा बैंडेड एंटीटर तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट यानी कि एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन में अलग अलग हैबिटेट में बदलाव आया ठीक है वो स्पीशी जो कॉमन एंसेस्टर था उसे बदलाव आया और वो एक नया स्पीशी बन गया दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन अब जिस वक्त ध्यान देना अब मैं चीज चेंज कर रही हूं अब जिस वक्त बेटा चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर एडाप्टिव रेडिएशन एट द सिमिलर टाइम ध्यान से सुनो एट द सिमिलर टाइम इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट प्लेसेंटल मैमल्स भी चेंज हो रहे थे उसमें भी क्या आ रहा था अडॉप्टिव रेडिएशन आ रहा था समझ रहे हो यानी कि जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया में अडॉप्टिव रेडिएशन आ रहा था वैसा ही अडॉप्टिव रेडिएशन आपने किस में देखा प्लेसेंटल मैमल्स में देखा डिफरेंट लोकेशन में प्लेसेंटल मैमल्स में अपने ने देखा यहां पे भी एक कॉमन एंसेस्टर से क्या-क्या बना वुल्फ बना वुल्फ बना बॉब कैट बना फ्लाइंग स्क्विरल बना लेमूर ठीक है रैट माउस एंड टीटर देख रहे हो यानी कि जिस समय ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स की हो रही थी अडेप्टिव रेडिएशन सेम टाइम पर डिफरेंट कॉन्टिनेंट में प्लेसेंटल मैमल्स की भी हो रही थी अडेप्टिव रेडिएशन और ध्यान देने वाली बात यह है जिस टाइप के फिनोटाइप आपके ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में बन रहे थे उस अडेप्टिव रेडिएशन से सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म बन रहे थे प्लेसेंटल मैमल में यानी कि दो डिफरेंट अडेप्टिव रेडिएशन चल रही है एक ऑस्ट्रेलिया में चल रही है मैमल्स की और एक बाहर चल रही है प्लेसेंटल मैमल्स की दोनों से सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं जब इस तरीके की अडेप्टिव रेडिएशन होती है जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बन रहे हो फिन को अपने लोग बोलते हैं कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या बोलते हैं बेटा कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन लेट मी जस्ट शो यू यस इधर ध्यान दीजिए बेटा दिख रहा है आपके एनसीआरटी में टेबल बना हुआ है किसका प्लेसेंटल मैमल्स का और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से ये ये ऑर्गेनिज्म बने रेडिएशन से प्लेसेंटल मैम के अडेप्टिड रेडिएशन से ये ये ऑर्गेनिज्म बने लेकिन सिमिलर लुकिंग स्पीशी बन रहा है देखो जब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में बना मार्सुपियल मोल तो यहां बना मोल देन नंबर यहां पे मार्सुपियल माउस यहां पे नॉर्मल माउस के जैसा यहां क्या है लेमूर फ्लाइंग हैजर के जैसा कैसा है फ्लाइंग स्क्वेरल देन तस्मानियन टाइगर कैट के जैसा क्या है बॉब कैट वुल्फ तस्मानियन वुल्फ के जैसा क्या है वुल्फ तो इस कॉन्सेप्ट को अपने क्या बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको बोलते हैं कॉनवर्जेंट एवोल्यूशन

है ना तभी एक दूसरे के कल मुस्कू का नाम आया था आज नाजरीन का रहा है क्या बात है बेटा आपका नाम मी ड्रॉपड आउट है कहीं आप बिल्कुल ही ड्रॉप आउट ना हो जाए निकालना ना पड़ जाए बेटा डिस्कॉलीफाई ना हो जाए इस साल आप लोगों का बेटा फेवरेट वीक तो हो सकता है ये चल रहा है ठीक है वैलेंटाइन वीक मना रहे हैं अपन लोग लेकिन आपका फेवरेट मंथ जो है ना वो जून का मंथ होना चाहिए क्यों क्योंकि जून के महीने में रिजल्ट आना है किसका उस एग्जाम का जो मे में होगा कौन सा नीट ट्वेंटी ठीक है नीट ट्वेंटी Neat 2023 महीना तुम्हारा बेस्ट फेवरेट होना चाहिए जिस महीने रिजल्ट आए वो तुम्हारे लिए सबसे लकी होना चाहिए तो बस ये कुछ नहीं होता ये दिन कुछ नहीं होते हैं आपके पास समय नहीं है इसमें बर्बाद करने का आज मैंने एक वीडियो में कुछ बताया था आई एम नॉट श्योर आपने वो वीडियो देखा या नहीं है दैट वॉज ओनली फॉर बॉयज ये स्पेशली जो बॉयज बेटा यहां पर लड़कियों से कई बार गलत तरीके से भी बात कर लेते हैं तो मैंने वहां पर एज अ फ्रेंड आपको ये चीज बताई थी कि एक फीमेल वॉट फीमेल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इन अ लॉन्ग रन नॉट एज किड इन अ लॉन्ग रन ठीक है तो नहीं सुनी हो तो वो मेरे टेलीग्राम पे जाकर एक बारी सुन लेना ठीक है एक बार सुन लेना तुमको पता चल जाएगा टेलीग्राम पे मैंने डाला है वही है यस कि मेरे मरने पे तो लाखों रोने वाले हैं मेरे मरने पे तो लाखों रोने वाले हैं लेकिन मुझे तलाश उसकी है जो मेरे रोने पर मर जाए ये काम करने वाले की तलाश नहीं है, है? ठीक जो यहां पे नाम लिखे ऊंची ऊंची चिल्लाए सबको बुलाए नहीं बेटा उसको इस चीज की तलाश नहीं है कि मेरे मरने पे तो लाखों रोने वाले हैं लेकिन तलाश उसकी है जो मेरे रोने पे मर जाए यानी कि द इंटेंसिटी इंटेंसिटी एंड इंटेंट जो आपका सामने आता है वो चैट बॉक्स में आ रहा है तो बिल्कुल गलत है और इस स्टेज पे आ रहा है तो महा गलत है आप इंतजार कीजिए आप अपनी सारी एनर्जी नीट की तरफ डाइवर्ट कीजिए बेटा तभी होगा तभी होगा भाई कल बताया था कि मधुमक्खी बनना है शहद बनना है ये मधुमक्खी के कैरेक्टरिस्टिक्स है यस ये क्या है मधुमक्खी की कैरेक्टरिस्टिक्स है आप लोग मधुमक्खियां बन के घूम रहे हो एक दूसरे के पीछा कर रहे हो बनना है तो शहद बनो अपनी क्वालिटी से बनो अपने कैरेक्टर से बनो अपनी पर्सनैलिटी से बनो अपनी डेजिग्नेशन से बनो अपनी डिग्री से बनो ठीक है ताकि सब लोग तुम पर तुमसे अट्रैक्ट हो ये नहीं कि तुम जगह जगह जाके नाम ले लेके बेटा बुलाओ यहां पर नॉट अ राइट प्लेस नॉट अ राइट मेथड एंड इट वोंट गिव यू एनीथिंग इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम है ना

थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन हां जी सबसे पहले अपने थ्योरी करेंगे बहुत सारी थ्योरी बेटा अपने ने पढ़नी है फर्स्ट वन इज लेमार्किज्मी थ्योरी करनी है लेमार्किज लेम Lamarck की कहानी आप सबको पता है कौन सी कहानी है जिराफ वाली कहानी है लेमार्किज्म्योरी वॉज गिवन बाई जीन बैपडिस्ट दिमाक ठीक है इन्होंने बेटा थ्योरी दी थी और उस थ्योरी को ना एक बुक के अंदर लिखा गया था दैट इज फिलोसफिक जोलॉजिकब्लिश हिज बुक फिलोसफिक और ये बात कब की 1809 अट्ठारह सो नौ की बात है इन्होंने जो थ्योरी दी थी द थ्योरी वॉज द थ्योरी वॉज द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिस यूज ऑफ यूज एंड डिसयूज थ्योरी ऑफ यूज एंड डिस यूज ठीक है जी यस yes. क्या कहती है ये थ्योरी ये थ्योरी कहती है कि जिस ऑर्गन को आप यूज करेंगे वो जो ऑर्गन है वो स्ट्रेंथन होता जाएगा और जिस ऑर्गन को तुम यूज करना बंद कर दोगे दोपे जंग लग जाएगी वो वीक हो जाएगा ठीक है कहने का मतलब है द ऑर्गन विच यू विल यूज मोस्टली That will become more strong. वो और जिस और ऑर्गन का यूज करना बंद कर दोगे वो धीरे धीरे बेटा क्या होता जाएगा वीक होता जाएगा Classic एग्जाम्पल जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से उसको एक महीना बेड पे ही बिताना पड़ता है तो बेड पे बिताने की वजह से बेटा वो अपना इतनी लेग्स की मसल यूज नहीं करता तो यानी कि डिसयूज हो रहा है मसल्स का डिसयूज हो रहा है और फिर बेटा जब वो एक महीने के बाद उठता है तब उसको ना थोड़ा समय लगता है फिजियोथेरेपी लगती है वापस से उस मोबिलिटी को रीगेन करने में लेकिन बेटा अगर आप वही एक महीना जिम जाने लग जाए बहुत एक्सटेंसिवली जिम जाए तो जो चीज जो मसल आपकी पहले मूव नहीं करती थी अगर आप उसे यूज करना शुरू करोगे वो और स्ट्रोंग होती जाएंगी जैसे कि बेटा तुम्हारा दिमाग अगर तुमने दो साल से दिमाग को यूज नहीं किया है तो यार वो वीक हो गया अभी समय लगेगा उसको दोबारा से रिवाइव करने में स्ट्रेंथन करने में तो यूज किया करो इसको बेटा बाजार में मंडी में बेचना थोड़ा कि हाँ अनयज होगी चीज तो बढ़िया बढ़िया भाव मिलेगा उसका है दिमाग को बेचना तो नहीं है ना जाके तो इसीलिए यूज करिए उसका करेक्ट जगह यूज करिए कि बच्चे कुछ सोचते हैं कि अनयूज्ड ब्रेन शायद महंगा बिकेगा यूज्ड ब्रेन थोड़ा कम बिकेगा मैं फर्स्ट हैंड ब्रेन बेचना चाहता हूं आपको ब्रेन नहीं बेचना है तो उसको सेकंड हैंड करो थर्ड हैंड करो फोर्थ हैंड करो लेकिन उसका इस्तेमाल करिए ठीक है उसका इस्तेमाल करिए तो यार ये कहते थे कि जिस ऑर्गन का आप यूज करेंगे जिस ऑर्गन का आप कंसिस्टेंटली यूज करेंगे वो जो ऑर्गन है वो स्ट्रेंथन होगा उसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा सो दैट ऑर्गन विल स्ट्रेंथन यस राइट कई बार बेटा कई बार उन्होंने बोला कि एनवायरमेंट में ऐसा चेंज आता है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म को कोई स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गन ये तो अभी जो मैंने दी थी वो एक्साम्पल्स है बट इस थ्योरी का मैं बताती हूँ इस थ्योरी में वो कह रहे हैं कि एनवायरमेंट में कई बार ऐसा चेंज आता है जिसकी वजह से आपको कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन ना ज्यादा यूज करना पड़ता है जैसे किसके साथ, साथ, किस साथ, साथ हुआ जिराफ के साथ हुआ 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 किसके साथ 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 भैया जिराफ 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 के के बहुत ही हुई जनरली नीचे ग्रास को खाता था ठीक है जी लेकिन उस समय उस समय एनवायरमेंट में चेंज आया कि जो नीचे नीचे छोटी ग्रासेस थी श्रब्स थी वो सब चीजें उस जगह से गायब हो गई अब जिराफ को सर्वाइव करने के लिए अगर पत्ती खानी है तो पत्ती थी ऊंचे पेड़ पर कहा थी ऊंचे पेड़ पर तो यार जिराफ के पास दो ऑप्शन थे या तो वो मर जाए या फिर सरवाइव करने के लिए थोड़ा सा उच्च के ठीक है अपना स्ट्रेच करे तो जिराफ ने उस एनवायरमेंटल चेंज की वजह से एक स्पेसिफिक ऑर्गन दैट इज हिज नेक उसने अपने नेक को ज्यादा यूज करना शुरू किया नेक की स्ट्रेचिंग हुई नेक की स्ट्रेचिंग होगी तो यार इसने बोला कि जो ऑर्गन तुम ज्यादा यूज करते हो वो ऑर्गन स्ट्रेंथन होता है बड़ा होता है तो धीरे धीरे एवोल्यूशन में क्या हुआ उसके नेक का जो साइज है वो बढ़ता गया और आज के जो जिराफ पैदा होते हैं वो लंबे नेक वाले ही होते हैं तो उसने बोला इस तरीके से उसने एक ऑर्गन का यूज करके किसका यूज करके नेक का यूज करके कॉन्टिन्यूस स्ट्रेचिंग करके इसको इलोंगेट कर लिया कॉन्टिन्यूस स्ट्रेचिंग करके उसने क्या कर लिया उसको इलोंगेट कर लिया अब जिराफ ने बोला कि यार ये जो किया इसने अपनी लाइफ टाइम में किया ये कैसा कैरेक्टर बन गया एक अक्वायर्ड कैरेक्टर बन गया यहां से उसकी थ्योरी का सेकंड पार्ट आता है सेकंड पार्ट ऑफ इस थ्योरी इज थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर कि ये कह रहे हैं कि कोई भी कैरेक्टर जो तुम्हारे जीन्स में नहीं है जो तुमने अपनी लाइफ में अक्वायर किया है है ठीक वो अगली जनरेशन में जाएगा वो अगली जनरेशन में जाएगा जैसे अगर मैं इस थ्योरी को अपने ऊपर अप्लाई करके देखूं तो यार मैंने अपनी लाइफ में अपने कान बिनवाए बिनवा है ना लड़कियां बिनवाती हैं आजकल लड़के ही बिनवाते हैं कोई बड़ी बात नहीं नाक बिनवाया कान बिनवाए हैं ये मेरा एक अक्वायर्ड कैरेक्टर है अगर मैं इस थ्योरी को मानूं तो लमाक के अकॉर्डिंग मेरे बच्चों में भी उनके कान ऑटोमेटिकली बिने होने चाहिए क्या ऐसा होता है क्या ऐसा होता है कि इफ मदर हैज ईयर तो बच्चे के भी निकल के आ रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल कि अगर बेटा मैं टैटू बनवाऊ परमानेंट टैटू बनवाऊ वो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है मुझे मेरे माँ बाप से तो नहीं मिला ना अक्वाइर्ड कैरेक्टर है तो दिस कैरेक्टर शुड गो इन द नेक्स्ट जनरेशन ये है थ्योरी ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर जो कि हर जगह सही साबित नहीं होती है क्योंकि वही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाता है आज हमें पता है जो कि डीएनए में चेंज लाता है अब उस समय इन्होंने बात तो कर दी बात तो कर दी लेकिन बेटा बहुत सारे साइंटिस्ट को ना क्वेश्चन आने लग गया कि कैसे कैसे एक एक कैरेक्टर नेक्स्ट में जा सकता है तो एक बेटा, इसको करने के लिए। क्या नाम था बेटा जी इन, इनका ऑगस्त वियस मैन ने लिए चूहे ठीक है क्या लिया माइस इन्होंने बेटा एक माइस लिया माइस के पास होती है पूछ होती है कि नहीं इन्होंने बेटा डेलीबरेटली इस माइस की पूछ को काट दिया ठीक है काट दिया अब यार ये माइस कैसा हो गया टेललेस माइस हो गया टेललेस माइस हो गया तो इन्होंने बोला ने बोला अगर हम लेमार्क की थ्योरी को माने सच तो भैया ये एक अक्वायर्ड कैरेक्टर है पूंछ काटना एक अक्वायड कैरेक्टर है तो इसके जो बच्चे माइस होने चाहिए उनके पास पूंछ नहीं होनी चाहिए बट टू हिज सरप्राइज टू हिज सरप्राइज इसके जितने भी बच्चे हुए सबके पास टेल प्रेजेंट थी उनने सोचा चलो एक जनरेशन में तो गड़बड़ हो गई होगी दोबारा करके देखते हैं उन्हें दोबारा करके देखा सेकंड जनरेशन में फिर पूछ काटी फिर बच्चे हुए फिर जब भी बच्चे वो हो रहे हैं सबके पास टेल है और ये उन्होंने एक जनरेशन नहीं दो जनरेशन नहीं इक्कीस जनरेशन तक बेटा ऐसा करते रहे वो पूछ काटते रहे रिप्रोड्यूस कराते रहे पूंछ काटते रहे रिप्रोड्यूस कराते रहे इक्कीस जनरेशन के बाद भी क्या प्रेजेंट हुआ कि भैया उनके पास अभी भी क्या प्रस्तुत है टेल प्रस्तुत है तो यहां से ऑगस्ट वियस मैन ने बोला ऑगस्ट वियस मैन ने बोला कि किड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते सिर्फ वही जाते हैं जो बेटा आपका जर्म प्लाजम चेंज करते हैं जर्म प्लाजम यानी कि आपके सेक्स सेल्स, टेस्टिस और ओव ओवा में टेस्टिस और ओवरीज में जो स्पर्म और ओवा है उसमें अगर कोई चेंज होगा तो वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा सोमैटिक सेल्स में चेंज नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता देखो पूछ काटना चेंज इन सोमैटिक सेल है कान बनवाना चेंज इन सोमैटिक सेल है टैटू बनवाना चेंज इन सोमैटिक सेल है क्या आपके जर्म प्लाज्म में चेंज आया में चेंज आया नहीं आया ना तो जब तक गैमिट्स में चेंज नहीं आएगा वो अगली जनरेशन में नहीं जाएगा दिस इज द थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म जो कि किसने दी थी ऑगस्ट वियस ने दी थी तो क्या नाम है भैया इस थ्योरी का इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म कि सोमैटो प्लाज्म में कोई चेंज आएगा तो कोई फर्क नहीं है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा लेकिन जॉम प्लाजम में गैमीट्स में अगर कोई चेंज आएगा इट विल डेफिनेटली गो इन द नेक्स्ट जनरेशन तो यार यारेमा के बारे में बात क्लियर हो गई बताना गई कि नहीं हुई सब बच्चों के लेमाक की बात क्लियर है नेक्स्ट अपने किसकी बात करेंगे नेक्स्ट अपने किसकी बात करेंगे डार्विन की थ्योरी की बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है हां जी सो मूविंग ऑन टू थ्योरी नंबर टू दैट इज डार्विनियन थ्योरी जिसको सिंपल भाषा में क्या बोला जाता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन इसमें बोला जाता है अब यार ये जो डार्विन की थ्योरी थी डार्विन के साथ साथ में एक और साइंटिस्ट का नाम लेना चाहूंगी एल्फ्रेड वॉलेस दो बंदे थे कौन थे एक तो डार्विन थे देखो इनका खुद का नहीं था एक्चुअल में सच्चाई तो ये है और एक थे एल्फ्रेड वॉलेस एल्फ्रेड वॉलेस थे डार्विन ने काम किस पे किया था डार्विन गए थे बेटा अपनी शिप को लेके शिप का क्या नाम था एच एम एस बीगल क्या नाम था शिप का बीगल और ने क्या स्टडी किया था मल आर क्वेश्चन आ चुका है बेटा ये क्वेश्चन आ मले आर की पिलेजो ठीक है, है. पिले है तो यार डार्विन गए अपनी शिप पर साउथ अमेरिका घूमने ऑब्जर्व करने एच एम एस बीगल पर और सेम टाइम पर एल्फ्रेड वॉलिस ने मले आरकी पिलेजो में काम किया ठीक है काम किया दोनों दोनों बेटा इंडिपेंडेंटली सेम कंक्लूजन पर पहुंचे दोनों बेटा सेम कंक्लूजन पर पहुंचे ऐसा कैसे हो गया ऐसा कैसे हो गया कि यार डार्विन इधर साउथ अमेरिका में वो उधर मलेयार की बिले जो इज प्रेजेंट इंडोनेशिया आज के समय जो इंडोनेशिया है उसको मलैर की बिले जो बोलते हैं दोनों बेटा सेम कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे एक्चुअल में पता क्या था यार एक्चुअल में क्या था कि दोनों ने ना एक ही साइंटिस्ट का ऐसे पढ़ा था डार्विन yes. का वर्क इज नॉट अल्टी वो ऑलरेडी एक जगह पे लिखा हुआ था किसका ऐसे पढ़ा था दोनों ने बेटा ऐसे पढ़ा था किसका थॉमस मोल्थस का बोथ ऑफ देम ऐसे ऑफ थॉमस मोल्थस इन्होंने बेटा ऐसे दिया था ऑन पॉपुलेशन पॉपुलेशन पे बेटा इन्होंने ऐसे दिया था ठीक है ये एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे और इस इकोनॉमिस्ट ने बेटा काम किया था पॉपुलेशन पे और वो कुछ बात कह के गए थे वो कुछ बात कह कर गए थे तो मोल्थस की थ्योरी क्या थी मोल्थस की थ्योरी कहती थी कि जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती है उस स्पीड से रिसोर्सेज नहीं बढ़ते ये पहले लिख दिया था यार डार्विन की थ्योरी में भी तुम सेम पॉइंट्स देखोगे बट मैं फिर भी बता देती हूँ कि मोल्थस के ऐसे उन्होंने एक ऐसे लिखा था पॉपुलेशन पे उन्होंने बोला कि जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती है, यार, के से बढ़ते है। कि कम बढ़ते पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है क्या प्रूव होता है कि रिसोर्सेज तो क्या है अपने पास लिमिटेड हैं रिसोर्सेज क्या है अपने पास लिमिटेड हैं तो फिर यार उसमें पड़ा कि पॉपुलेशन जो है वो हमेशा चेक में रहती है कैसे चेक में रहती है, है? देखो अगर मैं अपनी बात करूं या दूसरे ऑर्गेनिज्म सारे ऑर्गेनिज्म की बात करूं सबके पास बायोटिक पोटेंशियल बहुत है ये हमने पढ़ा था पिछले इकोलॉजी में कि खूब बायोटिक पोटेंशियल है आप कितना रिप्रोड्यूस करना चाहते हो उतना कर लो लेकिन लेकिन बेटा सच्चाई तो ये है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हर आदमी अपनी मैक्सिमम क्षमता के अकॉर्डिंग बच्चे पैदा नहीं कर सकता यानी कि कहीं ना कहीं एक चेक लगा हुआ है एक चेक पॉइंट है जिस वजह से कुछ रेजिस्टेंस आती है लिमिटेड रिसोर्सेज आते हैं जिस वजह से एक ऑर्गेनिज्म अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं रीच कर सकता हर आदमी नहीं कर पाएगा कुछ ही सरवाइव करेंगे जो सरवाइव करेंगे भैया वही फिट कहलाएंगे तो यहां से इंस्पायर होके यहां से इंस्पायर होके डार्विन ने अपनी थ्योरी दी और थ्योरी का नाम क्या है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक तो भैया डार्विन ने ये पढ़ा था डार्विन ने यह पढ़ा था कि यार इस ऐसे में क्या लिखा हुआ था कि जो पॉपुलेशन है वो बेटा ज्योमेट्रिक एक्सपेंशन से बढ़ती है फास्ट बढ़ती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ है इसकी और जो रिसोर्सेज हैं रिसोर्सेज हैं इनका अरिथमेटिक ग्रोथ है अरिथमेटिक ग्रोथ है जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन का साइज है पॉपुलेशन का साइज है भैया जी वो स्टेबल है ऐसा नहीं कि हर आदमी सौ सौ बच्चे पैदा कर रहा है कि इसमें इतनी क्षमता पैदा कर रहा है नहीं साइज जो है वो स्टेबल है एक तो यार डार्विन ने ये चीज पढ़ी

किसकी बात करें बेटा गोभी की बात करो गोभी की बात करो कितनी वेराइटी है नॉर्मल कॉलीफ्लावर है ब्रोकली है केल है कितनी सारी वैरायटी कैबेज है पत्ता गोभी है इतनी सारी वेराइटी है फार्मर को जो पसंद आता है वो वही ग्रो कर देता है यानी कि ह्यूमन जो है इन क्रॉप्स में से अपने हिसाब से बेस्ट सिलेक्ट कर लेता है

आर्टिफिशियली सिलेक्ट कर सकता है पौधों को क्रॉप्स को डॉग्स को कैट को काउ को तो यार नेचर भी तो करती होगी उसके माइंड में आया कि यार अगर ये काम सिलेक्शन का ह्यूमन करता है तो यार नेचर भी तो कहीं ना कहीं कर रही है तभी तो पॉपुलेशन का साइज है वो स्टेबल है हर आदमी सरवाइव नहीं करता कोई एक टाइप का ही सरवाइव करता है तो यहां से इन दो चीजों को पढ़कर एक तो मोल्थस का ऐसे और बेटा अपना ही आर्टिफिशियल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को देखकर डार्विन ने दी अपनी थ्योरी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ठीक है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो दो बेटा दो जगह से उसने इंस्पिरेशन लिया इसको बोलते हैं अपने कि दो जगह से बेटा उसने क्या लिया इंस्पिरेशन लिया ले लिया इंस्पिरेशन तो यार डार्विन की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है उसके फॉलोइंग पॉइंट्स है ये कहती है डार्विन ने बताया कि नेचर में भैया बहुत हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है नेचर में क्या है बहुत हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है ठीक है जी रिप्रोडक्शन का रेट बहुत हाई है हर आदमी रिप्रोड्यूस करना चाहता है लेकिन भैया उस पर रोक लगाने के लिए क्या है रिसोर्सेज जो है अपने पास वो लिमिटेड है रिसोर्सेज जो है वो अपने पास क्या है लिमिटेड है अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो भैया आपस में लड़ाई होगी एक ही रोटी है दस लोग खाने वाले हैं जैसे कि नीट की सीट की बात करें बीस लाख बच्चे अपेयर होने वाले हैं सीटें कितनी है एक लाख लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही स्ट्रगल हो रहा है कि नहीं हो रहा हो रहा है ना आपस में हर लोग लगे हुए हैं मैं मैं इससे इससे ज्यादा ज्यादा नंबर नंबर ले लू, मैं नंबर ले लू। किसी तरीके से वो लाख में एक सीट मेरी हो जाए वही सिचुएशन बेटा एक्चुअली में हर सिनारियो में अप्लीकेबल है तो रिसोर्सेस क्या है लिमिटेड है जिसकी वजह से चलता है लड़ाई जिसकी वजह से चलता है स्ट्रगल स्ट्रगल में अगर देखें हम हमारे पास तीन तरीके का स्ट्रगल है वन इज इंट्रास्पेसिफिक यस स्पेसिफिक देन इंटर स्पेसिफिक इंटर स्पेसिफिक एंड एक्स्ट्रा स्पेसिफिक एक्स्ट्रा स्पेसिफिक हांजी पहले वाले की बात करें इंट्रास्पेसिफिक दैट इज बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशी सेम स्पीशी आपस में लड़ रहे हैं जैसे तुम अपने दोस्तों से लड़ रहे हो बनी वैष्णवी से लड़ रहा है वैष्णवी सिमरन से लड़ रही है सिमरन श्रेया से लड़ रही है श्रेया नीट ड्रॉपर से लड़ रहे हैं ये सब लोग एक ही स्पीशी के मेंबर है ह्यूमन ही है, लड़ रहे हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाता है इंटर स्पेसिफिक इंटर स्पेसिफिक इज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी डिफरेंट स्पीशी ठीक है यानी कि अगर बात करें अगर बात करें जगह की जगह की बात करें फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आ गई अर्थक्वेक आ गया सुनामी आ गया उस समय बेटा जो स्ट्रगल होता है सिर्फ ह्यूमन ह्यूमन का नहीं होता ह्यूमन दूसरे एनिमल से भी स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हो रहे होते हैं नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा स्पेसिफिक दैट इज स्ट्रगल विद नॉन बायोटिक फैक्टर्स ए बायोटिक फैक्टर्स ठीक है जैसे अभी जो टर्की में अर्थक्वेक आया वो एक तरीके का स्ट्रगल है किसके साथ एक नेचुरल कैलामिटी के साथ स्ट्रगल है जिंदा रहने की कोशिश चल रही है तो रिसोर्सेज लिमिटेड है स्ट्रगल होगा स्ट्रगल होगा तो भैया सारे तो जिंदा नहीं रहेंगे जिसमें वेरिएशन ऐसी है जो बेनिफिशियल है फायदेमंद है नीट के बारे में बात करें जिसमें वेरिएशन ऐसी है कि बच्चा बड़ा सिंसियर है बच्चा बड़ा डेडिकेटेड पूरा दिन काम करता है एनसीईआरटी पढ़ता है पी वाई क्यूज करता है भैया वो बेनिफिशियल है है ना तो फिर आई कुछ लोगों में फिर आई कुछ लोगों में वेरिएशन ठीक है वेरिएशन क्या होता है एक छोटा सा चेंज होता है स्मॉल एंड कॉन्टिन्यूस चेंज होता है कॉन्टिन्यूस चेंज होता है ये वेरिएशन आई और इस वेरिएशन में जिसके पास ये बेनिफिशियल वेरिएशन है वो बंदा सरवाइव करेगा इसको अपने लोग बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ठीक है लड़ाई हो रही है बीस लाख में से एक लाख ही सरवाइव करेगा ना वो फिट कहलाएगा क्योंकि जो चीज चाहिए थी एनवायरमेंट के हिसाब से नीट के हिसाब से वो चीज उस तो आदमी में उस बच्चे में प्रेजेंट है ये जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वर्ड है ये टर्म किसने दी 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 थी ने दी थी दी थी हर्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर स्पेंसर ने ने बट इसको यूज किसने किया था आपके डार्विन ने यूज कर लिया था फिर भैया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हुआ यानी कि इसी ऑर्गेनिज्म को नेचर ने क्या किया सिलेक्ट कर लिया ठीक है सिलेक्ट कर लिया फिटेस्ट आदमी किसने सिलेक्ट किया नेचर ने सिलेक्ट किया तो ये हो गई आपकी नेचुरल सिलेक्शन ठीक है यस सो इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड फोर्स विच हेल्प्स अस टू सिलेक्ट द वन विच इज द मोस्ट फिट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द नेचर नेचर के हिसाब से जैसे कि नीट के हिसाब से फिट कौन है जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छी पढ़ता है जे के हिसाब से फिट कौन है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छी पढ़ता है ठीक है जी एक अखाड़े में डब्ल्यू डब्ल्यू एफ की फाइट में फिट कौन है जिसकी मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिटनेस बेटा जिम वाली फिटनेस नहीं है फिटनेस यहां पर डार्विन किस फिटनेस की बात करते थे डार्विन बात करते थे रिप्रोडक्टिव फिटनेस की किसकी बात करते थे रिप्रोडक्टिव फिटनेस की डार्विन कहते थे भैया जिसमें बढ़िया बेनिफिशियल वेरिएशन होगी वो सिलेक्ट होगा सिलेक्ट होने के बाद बेटा वही आगे अपने बच्चे प्रोड्यूस कर पाएगा बाकी लोगों का तो वही खात्मा हो जाएगा यस yes. ओके okay. ओके okay, बच्चा बताना क्या चीज़ समझ आ गई बच्चों मेरे हाँ जी क्लियर है बताओ जरा देख रही हूँ मैं रिप्लाइज हाँ जी तो ये थी डार्विन की थ्योरी इस डार्विन की थ्योरी के दो की कॉन्सेप्ट थे देयर वर टू की कॉन्सेप्ट कई बार कॉन्सेप्ट भी सवाल आ जाता है पहला की कॉन्सेप्ट था ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट ब्रांचिंग डिसेंट ब्रांचिंग डिसेंट ये बताता है Of ठीक है? कि किस तरीके से हुई एक जनरेशन से कॉन्सेप्ट कि कौन है पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन और बेटा सेकेंड की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों बताओ दैट इज गोइंग टू मे नैचुरशन ठीक है सेकंड की कॉन्सेप्ट क्या है नेचुरल सिलेक्शन ये बताता है कि एवोल्यूशन कैसे हुई मैकेनिज्म क्या है वो जो पांच पॉइंट्स बताए थे ना ये बताता है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन ओके मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन ओके वीकनेस बेटा डार्विन की मैं बताऊं क्या थी ये तो चलो बढ़िया सही बात कही उसने जो भी बताया सही बताया वीकनेस ये है कि यार इसने ये तो बता दिया एवोल्यूशन हुई वेरिएशन आई ये नहीं बताया कि वेरिएशन कैसे आया कैसे चेंज आता है आज के समय पे मुझे पता है कि म्यूटेशन हुई होगी क्रॉसिंग ओवर हुई होगी ये सब हुआ होगा लेकिन उस समय पे डार्विन के समय पे बेटा ये चेंज नहीं पता था ओके ये सोर्स ऑफ वेरिएशन नहीं बताया था इसने सो द ड्रॉबैक इज कि डार्विन की स्टडी से अपने को सोर्स ऑफ वेरिएशन नहीं पता चला था ओके okay? अच्छा एक बात बताओ क्या आपने इस क्लास में एनरोल किया या नहीं किया बताओ सोर्स ऑफ वेरिएशन नहीं बताया transmission कैसे variation की नहीं बताई उसने हां जी तो लिख रहे हो ये अपने को नहीं बताया एंड उसने ये भी नहीं बताया कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हां जी बेटा मेरी प्लस क्लास चल रही है क्यों आपने अटेंड करनी है प्रशांत बताओ अब अगला कॉन्सेप्ट बेटा डार्विन की थ्योरी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट ये कहता है ध्यान से इस लाइन को पढ़ना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी डिपेंड्स ऑन द लाइफ स्पैन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी डिपेंड्स अपॉन द लाइफ स्पैन क्या मतलब है कि यार नया स्पीशी किस ऑर्गेनिज्म में कितनी जल्दी बनेगा वो डिपेंड करता है कि यार उसका लाइफ स्पैन क्या है जैसे अगर एक एग्जाम्पल ले बैक्टीरिया की किसकी एग्जाम्पल ले बैक्टीरिया की एक बैक्टीरिया को तुमने डाल दिया मीडियम ए में किस में डाल दिया ए टाइप के मीडियम में डाल दिया ये ग्रो कर रहे थे मजे से इनको कोई दिक्कत नहीं है है ना ए मीडियम में इनकी चांदी थी फिर बेटा तुमने अचानक से क्या कर दिया इनका मीडियम ही बदल दिया इनको डाल दिया मीडियम बी में मीडियम बी में नोटिस किया सारे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं कुछ ही ऐसे हैं जो ग्रो कर पा रहे हैं यानी कि सिर्फ कुछ लोगों के अंदर कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा चेंज आया जिससे वो एक नया स्पीशी बना क्या बना एक नया स्पीशी बना और वो एक नए मीडियम में सरवाइव करने लग गया यानी कि नया स्पीशी बनाने के लिए आपको जनरेशन चाहिए होती है एक जनरेशन दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन अब यार जिसका लाइफ स्पैन छोटा है साठ सेकंड में मल्टीप्लाई कर दे रहा है उसमें ये चेंज जल्दी आ जाएगा क्योंकि भैया स्पीशिएशन जल्दी हो जाएगी ना नेक्स्ट जनरेशन जल्दी आ जाएगी कंपेयर टू अस हम में अगर तुम देखोगे एक नेक्स्ट जनरेशन आने में कितना साल लग जाता है कितना साल साठ साल एक बंदे का लाइफ स्पैन होता है ठीक है एवरेज बता रही हूँ साठ सत्तर साल लाइफ स्पैन होता है ठीक है उस रेट पे अगर हम एवोल्यूशन करने बैठेंगे तो कब जाकर नया स्पीशी बनेगा तो जिसका लाइफ स्पैन कम है जो छोटा ऑर्गेनिज्म है तो यार वो जल्दी हो जाता है जिसका लाइफ स्पैन क्या है जिसका लाइफ स्पैन क्या है बड़ा है उसमें चेंज आने में समय लगता है बताओ क्या ये बात समझ आई कि बैक्टीरिया होता तो जल्दी चेंज आ जाता जल्दी स्पीसीशन हो जाती भैया उसका लाइफ स्पैन ही साठ सेकंड का है लेकिन अगर ह्यूमन होते ह्यूमन होते काउ होती डॉग होती उनका लाइफ स्पैन बड़ा है यार उसमें चेंज आता है लेकिन समय लेता है ठीक है जी यस yes. अब चलो डार्विन की बात बेटा यहाँ पर खत्म नहीं होती है डार्विन की बात के लिए डार्विन ने बेटा एक और थ्योरी दी इस थ्योरी के लिए बेटा मुझे जरूरत है यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म की इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ पैन जेनेसिस थ्योरी ऑफ पैन जेनेसिस ठीक है थ्योरी ऑफ पैन जेनेसिस कहती है थ्योरी ऑफ पैन जेनेसिस डार्विन ने दी थी डार्विन ने बोला कि हर ऑर्गन आपको पता है बॉडी का हर ऑर्गन छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाता है क्या बनाता है पार्टिकल्स इस ऑर्गन ने भी बनाया इसने बनाया इसने बनाया इन पार्टिकल्स को अपने बोलते हैं और फिर कहते हैं ये पैनजीन घुस जाते हैं ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर और ब्लड के द्वारा किस में जाते हैं गैमीट में जाते हैं देखो डार्विन का कहना था वेरिएशन के ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे गया तो डार्विन कहते हैं आपकी बॉडी का हर ऑर्गन पैनजी बनाता है वो ब्लड में जाते हैं ब्लड से दौड़ते हुए वो किसके पास चले जाते हैं गैमिट में और गैमिट से नया जनरेशन नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है बन जाता है जबकि बेटा ये बात गलत है गैमिट्स के पास कुछ भी नहीं जाता है अलग अलग ऑर्गन से इस थ्योरी को डिस्कार्ड किसने किया दी किसने थी डार्विन ने, but it was discarded by, again, कौन आए डारॉज मैन, ठीक है इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा वैसे बात ये ठीक कहते थे इन्होंने बोला कि भैया ऐसा नहीं होता कौन सी थ्योरी है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाजम अगेन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाजम ये कहते हैं कि आपके सोमैटिक सेल से कुछ भी गैमिट्स के अंदर नहीं जाता है ऐसा नहीं होता कि कर रहा है जो, जो प्रेजेंट है, है उसका बाकी सेलो से कोई लेना देना नहीं है उसके पास कुछ भी ब्लड के द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा एक्सेप्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड द इंपॉर्टेंट गैसेस ठीक है ये कहती थी कि गैमिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम सोमैटो है कि नहीं बेटा है और ये कहती थी ओनली चेंज इन जर्म प्लाज्म विल गो टू नेक्स्ट जनरेशन बिल्कुल सही बात है विल गो टू नेक्स्ट जनरेशन ओके कहा गया हां जी यस yes, बेटा कौन सा दिन मना रहे हो ये बता दो मैम को हैं कौन सा दिन मना रहे हो जो इतनी खुशी चढ़ रही है यस yes. मुझे लग रहा है प्रिया पटेल बिल्कुल ठीक कह रही है <laughs> मुझे लग रहा है इनके दिन मनाने का ना समय नहीं हो रहा है. हाँ जी दिन पे दिन मना रहे हैं ये पता नहीं कौन बरमैन करके आए हैं क्या पूछ रहे हैं बेटा कुछ पूछना होता है मेरी स्पेशल क्लास में आइए किस में आइए स्पेशल क्लास में आइए राइट किस में आना है स्पेशल क्लास में आना है जो तुम नहीं आते हो इस क्लास में किस किस ने एनरोल किया है yes, पांच बजे आज शाम को क्लास कब है शाम को पांच बजे इस क्लास में मैंने पिन पिन किया हुआ है आज शाम को पांच बजे आपकी स्पेशल क्लास होगी हर दिन आपकी स्पेशल क्लास होगी कोई भी स्पेशल क्लासेस को मिस नहीं करेगा और कल बेटा स्पेशल क्लास में होने वाला है एक धमाका ठीक है कल से मैं स्पेशल में कुछ नया करने वाली हूं और वो नया पता क्यों करूंगी क्योंकि बेटा वो वो चीज कराने वाले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं फिर कल ही बताऊंगी या आज शाम को बता दूंगी शाम को बता दूंगी ठीक है तो आज की स्पेशल क्लास आ जाओ हो सकता है तब तुम पता चल जाए नहीं तो कल पता चल जाएगा ओके ओके हैव यू एनरोल्ड चलिए तो ये बात होगी डार्विन की डार्विन के बाद बेटा हमने लाइफ स्पैन की भी बात कर ली है नेक्स्ट अपने लोग बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी विच इज कॉल्ड एज म्यूटेशन थ्योरी तीसरी और आखिरी थ्योरी है बेटा ये कौन सी है तीसरी और आखिरी थ्योरी है जिसका नाम है म्यूटेशन थ्योरी कब किसने दी थी 1901 में दी थी ह्यूगो डीवरीज ने ह्यूगो डिवरीज ने इन्होंने बेटा काम किया था इवनिंग प्रिमरोज पे इवनिंग प्रिमरोज दैट इज ऑइनोथेरा लेमार्किना ओइनोथेरा लेमार्किना ठीक है इन्होंने बताया कि जो स्पीसीएशन है नया स्पीशी बनता है यानी कि जिससे एवोल्यूशन होती है वो नेचुरल सिलेक्शन से नहीं होती भैया नेचुरल सिलेक्शन तो इतना स्लो प्रोसेस है थोड़ा चलेंगे इन्होंने बोला कि एक सिंगल स्टेप लार्ज चेंज आता है सडन चेंज आता है जिसको नाम दिया म्यूटेशन इन्होंने बोला कि म्यूटेशन इज द रूट ऑफ एवोल्यूशन एवोल्यूशन जो है वो म्यूटेशन की वजह से होती है डार्विन की की वेरिएशन वजह से नहीं होती समझ रहे हो तो इसने क्या किया इसने क्या कहा कि म्यूटेशन होती है म्यूटेशन नेचुरली ब्रीडिंग पॉपुलेशन कि म्यूटेशन होती है ठीक है मान लिया इसने बोला कि भैया यही म्यूटेशन है जो कि इनहेरिटेबल है आप इनहेरिट कर सकते हो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी इसने बोला एक म्यूटेशन एक लार्ज चेंज होता है अचानक से आने वाला सडन चेंज होगा और बेटा कहीं भी जा सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है नॉन डायरेक्शनल होता है समझ रहे हो तो इसने बोला दिस म्यूटेशन इज द कॉज ऑफ एवोल्यूशन कि जो एवोल्यूशन है वो म्यूटेशन की वजह से होती है ऐसा ह्यूगो डीवरीज ने बोला डार्विन ने क्या बोला था कि एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होती है और नेचुरल सिलेक्शन वेरिएशन की वजह से होती है मतलब यहाँ पर दोनों में दरार आ गई क्या आ गई बच्चों यहाँ पर दोनों में दरार आ गई किस में दरार आई जरा देख लें डिफरेंस देख लें बेटा किस में दरार आई एक जगह आ गए डार्विन दूसरी जगह बेटा कौन आ गए डीवरीज तो इनकी दरार के बारे में देख लें ह्यूगो ह्यूगोडीवरीज डार्विन ने बोला कि जो एवोल्यूशन का रीजन है वो है मेरी प्यारी प्यारी वेरिएशन ये कहते थे एवोल्यूशन ना वेरिएशन की वजह से होती है भैया ऐसा कुछ नहीं होता एवोल्यूशन का जो रीजन है वो क्या है म्यूटेशन ठीक है ये एक पहला चेंज था दूसरी दरार क्या आई डार्विन ने बोला कि भैया म्यूटेशन वेरिएशन जो छोटे, छोटे छोटे चेंज होते हैं छोटे छोटे चेंज होके बन के एक बड़ा बनता है इसने बोला ऐसा नहीं होता म्यूटेशन जो है वो एक large change है, ठीक है बड़ा होगा, अचानक से बहुत सारी चीजें एक साथ change हो जाएंगी। Darwin की जो variations थी, वो क्या थी? थी, थी, मतलब Darwin की जो variation थी, वो एक चीज की तरफ जाती थी, Beneficial variation ही select होती थी। ही होती का रैंडम वेरिएशन है। है, है।, है, है है, प्लस नॉन डायरेक्शनल है ना बेटा क्या है डायरेक्शन ले क्या हो गया इतनी क्या दिक्कत आ गई कौन परेशान कर रहा बच्चों? की जो थी, वो चेंज लाती है धीरे, धीरे ग्रेजुअली होता है चेंज अचानक से नहीं होता लेकिन इसका जो है वो सडन चेंज होता है तो ह्यूगो डेवरीज की बात सुन लो फिर मैं इस बच्चे को बताती हूं अभी बेटा रोस्टिंग का समय शुरू हो रहा है रुक जाओ ठीक है की बात कहते थे कि म्यूटेशन की वजह से एवोल्यूशन होती है और एक सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन यस क्या नाम है इसका सिंगल लार्ज स्टेप एंड दैट म्यूटेशन वाज हैम्ड एज सोल्टेशन इस सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन का क्या नाम रखा है इन्होंने सोल्टेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सोल्टेशन जी कौन परेशान कर रहा है बताइए लेट मी जस्ट थ्रो दैट पर्सन आउट ये बीस परसेंट बच्चे अभी क्लास में नहीं किए किया।, किया, किया यार नहीं किया झूठ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे, हैं। बोल रहे हैं। क्लास में एनरोलमेंट नहीं है उसके बिना ये कक्षा होगी नहीं ठीक है कोई कक्षाएं नहीं होंगी अगर आप नहीं आएंगे तो बेटा क्या चाहते हो डार्विन बनो डार्विन की वेरिएशन बनो छोटा 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 चेंज आना चाहिए तब एक बड़ी चीज बनती है तुम्हें क्या लगता है चमत्कार होगा की तरह अचानक से मेरे में मई को एक ऐसा वेरिएशन आएगा कि पूरी की पूरी किताब मेरे अंदर चली जाएगी और उस किताब से मैं सात मई को पेपर ते आऊंगा यही उम्मीद है ना सपना तो तुम यही देखते हो बता दो सच बता दो सपना तो यही है ना कि मैं कह रही हूं कि भैया छोटी छोटी वेरिएशन लेके आइए तब जाके कुछ होगा लेकिन नहीं लेकिन नहीं इनकी उम्मीद है कि ह्यूगो सही कहते हैं हमारे अंदर ना सोल्टेशन होगी अचानक से दे आर होपिंग है ना उम्मीद तो तुम्हारी क्या है कि मेरे अंदर एक बड़ी सी सोल्टेशन होगी 6 मई को होगी उससे ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद 6 मई रात को बारह बजे मेरे अंदर एक सोल्टेशन होगा ठीक है उस सोल्टेशन के बदले मुझे सारी किताबें अंदर घुस जाएंगी और मैं सात मई को सात नंबर सात नंबर लेकर जीत जाऊंगा ऐसा होता है ऐसा नहीं होता बेटा कोई सॉल्टेशन नहीं होगी इस फेरीलैंड में मत रहिए ये कहीं कहीं होता है कहीं कहीं नहीं होता तो तुम्हारे में ऐसा नहीं होगा ठीक है तुम्हारे में ऐसा नहीं होगा पर्ची निकालेंगे मैम अभी किसकी सॉल्टेशन होगी यस हाउ टू एनरोल बेटा क्लिक करो इस लिंक पे फिर एनरोल का बटन आ जाएगा अपने आप नोटिफाई मी का बटन आएगा नोटिफाई मी का बटन दबाना है ओके <laughs> क्लियर okay. हो गया हाँ अब किससे दिक्कत हो रही थी जरा मुझे दिखाओ किसको ब्लॉक कर ब्लॉक करना मैं जरा करूं हाँ काश हमारे अंदर मुझे लग रहा है आज के बाद ना तुम भगवान से यही मांगोगे आज के बाद भगवान से यही मांगा जाएगा प्लीज गिव मी सोल्टेशन है ना प्लीज गिव मी कौन राजन किसको करना है राजन एडिटर को मोदी को मोदी नाम से कौन है बेटा हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर को तुम लोग आई कॉन्ट फाइंड आउट मेरे ख्याल से बेटा वो बच्चा खुद जा चुका है आएगा तो मैं कर दूंगी बेटा डर गया वो उसके अंदर लगता है सॉल्टेशन हो गई है ओके आई फाइंड कैंट फाइन अनी ये भी सही है कह रहे वीएस मैन इज रोस्टर ऑफ एवोल्यूशन रोस्टर नहीं है बेटा सच बोलते थे वो ऐसे नहीं कि डार्विन है तो उनका सब चीजें सही मान ले नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने सही दी लेकिन पैन जने से सही नहीं दी थी तो उसको डिस्कार्ड करना तो जरूरी है ना हाँ जी तो यार कुछ नेचुरल सिलेक्शन के एविडेंसेज मैं आपको बता देती हूँ एविडेंसेज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एविडेंसेज ऑफ नैचुरल सिलेक्शन ठीक है जी यस yes. कौन बच्चा चाहता है हार्डी विनबर्क पे एक स्पेशल क्लास लगे यस yes. वैसे तो हार्डी विनबर्क अपने इसका पार्ट है बट उसमें ना बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं सो आई एम प्लानिंग कि मैं उस पर एक स्पेशल क्लास अलग से लूँ जैसे मैंने जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल पे ली थी जैसे बेटा मैंने जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल पे ली थी वैसे आई एम प्लानिंग कि कल अपने लोग हार्डी विनबर्क के न्यूमेरिकल्स पर एक स्पेशल क्लास रख लेते हैं कल शाम को पांच बजे व्हाट डू यू से मस्त रहेगा क्योंकि आज की क्लास में देखो मैं आपको बेसिक्स तो बता दूंगी लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए एक डेढ़ घंटा सेपरेटली चाहिए so what I am planning is कि कल कर लेते हैं इसके होगी सारे के हर टाइप के यस yes? यस yes? तो आज की कक्षा में आओ पहले फिर कल की कक्षा लगा देते हैं लगा देते हैं ओके okay, बेटा चलो एविडेंसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पहला एविडेंस इनको अपने को कहा मिला इंडस्ट्रियलाइजेशन से देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में मुझे आपको लेकर जाना पड़ेगा बेटा मेरे साथ कौन-कौन चलेगा लंडन हाँ जी कौन कौन चलेगा लंडन ब्रिटेन यस थोड़ा यूके घूम के आते हैं वीजा लगवाते हैं अपना और यूके को देखते हैं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड देन देखते हैं आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी एटीन हंड्रेड की बात कर रहे हैं बेटा इंग्लैंड चल के कहा चलेंगे इंग्लैंड हाँ आप सबके हाथ खड़े हैं सबको जाना है इंग्लैंड है ना जी सबको जाना है बढ़िया है ओके तो इंग्लैंड चलते हैं इंग्लैंड में हम गए हमने देखा पेड़ों को किसको ऑब्जर्व किया पेड़ों को तो यार बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जरा पेड़ देखो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने जब पेड़ देखे तो मैंने देखा कि पेड़ों के ऊपर पेड़ों की बार्क के ऊपर ना वाइट वाइट कलर की कौन बैठी थी लाइकन बैठी थी कौन बैठी थी लाइकन बैठी थी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन बेटा लाइकन थी ठीक है और पेड़ों के ऊपर ना छोटे छोटे इंसेक्ट्स आके बैठते थे कौन से इंसेक्ट्स थे बिस्टन बेटेूरिया क्या है बिस्टन बेटलूरिया ठीक है ये बिस्टन बेटे बेटा यहाँ पर आके बैठी इनको अपने लोग बोलते हैं मौत बटरफ्लाई की तरह दिखती है मौत है ये विंग्ड मॉथ है तो बिफोर इंडस्ट्राइजेशन हम देखते थे कि यार इस सफेद रंग की चादर वाले पेड़ के ऊपर जो लाइट कलर्ड मॉथ्स हैं बेटा ये लाइट कलर्ड मॉथ्स हैं ये ज्यादा होती थी इनका नंबर ज्यादा होता था ये देखिए ये ज्यादा है और जो बेटा डार्क कलर मॉथ्स हैं ये मान लीजिए डार्क कलर्ड है इसका जो नंबर था वो कम था ऐसा क्यों था ऐसा इसीलिए था क्योंकि मौत को खाने वाला होता है बर्ड तो बर्ड तो को यार ये वाली जो मौत है वो दिखती नहीं थी तो ये बेटर थी थी ये वाली मौत जो है वो दिख जाती थी। तो यार इसको पकड़ के बर्ड ले जाता था और खा जाता था तो इसका जो पॉपुलेशन है ज्यादा फिट कौन सी कहलाई व्हाइट वाली ज्यादा फिट कहलाई तो व्हाइट वाली ज्यादा ग्रो करती थी तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने क्या नोटिस किया हमने नोटिस किया कि यार जो व्हाइट विंग्ड मौत है इसका जो नंबर है वो ज्यादा है किससे डार्क विंग्ड मॉथ से क्यों क्योंकि विंग्ड वास बेटर बेटर थी थी उस वो वो पंछी देख नहीं पाते थे इस वजह से वो बची रहती ठीक थी। है जी यानी कि ये जो वाइट विंग्ड थी ये बेटर फिट है उस टाइम पर ये जो है ये बेटर फिट टू एनवायरमेंट है फिर बेटा चले हम आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हम चले तो बहुत सारी इंडस्ट्री ब्रिटेन में खुल गई इंग्लैंड में खुल इंडस्ट्री खुलने की वजह से हवा में कौन आ गया सूट डस्ट एसओ हवा में कौन आ गए बेटा एसओ अब क्या एसओ को देखकर लाइकन ग्रो करते है? नहीं लाइकन आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स दे आर वेरी सेंसिटिव टू एसओ Lycan नहीं ग्रोगे। ग्रो नहीं ग्रो ग्रो किए करेंगे तो भैया यहाँ क्या होगा यहाँ पर बेटा ये जो डार्क कलर सूट है डस्ट है वो डिपॉजिट होगी अब वाइट कलर का नहीं है तो यार इस समय भी लाइट विंग्ड मॉथ है लेकिन ज्यादा नंबर किसका है डार्क विंग्ड मौत का है क्यों क्योंकि अब डार्क वाले को पंछी नहीं पहचान पाते है ना तो इस समय आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो डार्क विंग्ड मॉथ है वो ज्यादा है इससे लाइट विंग क्योंकि better adapted कौन है 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 बेटा ये 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 बच जाती बचती बचती नहीं ये नहीं है क्योंकि लाइकन नहीं क्योंकि करने के लिए उसको हवा लाइट है, है. वाली, इस समय, इस समय, इस समय वाली ज्यादा है और डार्क वाली कम है लेकिन इस समय बेटा प्रेफरेंस किसको मिल रही है डार्क वाली को यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से रंग गहरा हो गया हुआ कि नहीं हुआ रंग गहरा हो गया और जिसका रंग गहरा होता है हम बोलते हैं मेलेनिन ज्यादा है इसमें है ना मेलेनिन ज्यादा है तो यार ये या जो डार्क विंग्ड थी इस मौत को बोला जाता है मेलनाइज्ड मौत क्या बोला जाता है मेलनाइज्ड मौत क्योंकि इसमें मेलेनिन ज्यादा है तभी तो डार्क कलर की है है ना और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म ओके बेटा इज मौत एंड इंडस्ट्रियलिज बेटा ध्यान रखने वाली बात यह है कि ना तो पहले ना बाद में गायब कोई पॉपुलेशन नहीं बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क वाली थी ही नहीं आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइट वाली थी ही नहीं नहीं दोनों समय पर डार्क भी थी लाइट भी थी नो वन इज कंप्लीटली रेडिकेटेड गायब नहीं हो रहा है कोई बस एक का नंबर ज्यादा है एक का नंबर क्या है कम है ठीक है yes, यस एक का नंबर क्या है कम है तो यहां पर हम लाइन लिख सकते हैं क्या लाइन लिख सकते हैं दैट नो वेरियंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट नो वेरियंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट दोनों समय दोनों रहेंगे ये बात याद रहोगे रखोगे इज कंप्लीटली वाइब्ड आउट ओके okay. कोई भी वेरिएंट वाइप आउट नहीं हुआ है तो यार नेचुरल सिलेक्शन पता चल गया कि नेचर ने किसको किसकोलेक्ट किया पहले व्हाइट वाले को किया फिर डार्क वाले को किया इसका फोटो बेटा आपके एनसीआरटी में भी है आपको एनसीआरटी से फोटो बना हुआ भी आ सकता है जरा ध्यान दीजिए ये जो सिचुएशन है ये देखिए लाइट कलर का बैकग्राउंड है आपका यानी कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन है लाइकन है ना इस पर और यहाँ बैकग्राउंड डार्क हो गया यानी कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला situation है तो before industrialization अगर अपने देखेंगे, तो अगर देखेंगे यार इसका ज़्यादा है, ठीक है वाले का क्या है? है। ज़्यादा देखोगे तो डार्क वाले का नंबर ज्यादा है ठीक है मौत बनी हुई है पीछे ट्री की बार्क है। देख लो एक बार ओके चलिए तो ये एक एग्जाम्पल थी नेचुरल सिलेक्शन के एक एग्जाम्पल बेटा और है आपके एनसीआरटी में दैट इज अबाउट ड्रग रेजिस्टेंस एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस यस तो दूसरा एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक हाँ जी मान लीजिए बेटा कोई तुम्हारी बॉडी है ये ये तुम हो ठीक है तुम्हारे अंदर कोई माइक्रोब आया बैक्टीरिया आया इस बैक्टीरिया को मारने के लिए तुमने तुम कहां गए केमिस्ट के पास गए डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने तुमको क्या दी एंटीबायोटिक दी ड्रग दी ठीक है एंटीबायोटिक दी एंटीबायोटिक बेटा इस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेगी लेकिन कई बारी बैक्टीरिया इतना चालू होता है ये अपने अंदर ऐसी म्यूटेशन लाता है कि यार ये बन जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मतलब इसने सिचुएशन को देखते हुए सरवाइव करने का तरीका ढूंढ लिया फिट हो गया ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गई तो अब तुम पेलते जाओ उस एंटीबायोटिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये बैक्टीरिया मजे से ग्रो कर रहा है तुम्हें बीमार कर रहा है तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आती है ये एक तरीके का नेचुरल सिलेक्शन है कि उन्होंने नेचर को देखते हुए चेंज हो गए ठीक है नेक्स्ट आती है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हर्बिसाइड रेजिस्टेंट कि पहले बेटा पहले क्या था हम हर्ब्स को मारने के लिए हम हर्ब्स को मारने के लिए फार्मर किसको यूज करता था फार्मर यूज करता था हर साइड को हर साइड को लेकिन फिर इन हर्ब्स ने है ना शैतानी हर्ब्स ने अपने आप को रेजिस्टेंट बनाया अपने अंदर चेंज लेके आए और अब उनपे उस हरबी साइड का को कोई फर्क नहीं पड़ता तो जो रेजिस्टेंस आई है ये आई है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से मतलब ये जो नेचुरल सिलेक्शन है क्या ये पहले से डिसाइड होके आता है कि मुझे यही बनना है

समथिंग विच इज डिटर्मिंड नहीं होता ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, है, है. चार इवेंट पर डिपेंड करता है लेटमी okay. yes, रहा <coughs> तो ये जितना भी अपने ने किया इंडस्ट्रियल मेलेनिजम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ये तीनों किसकी एग्जाम्पल थी बाय एंथ्रोबोजेनिक एक्शन मानते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन तुमने करी एंटीबायोटिक तुमने लिया हरबी साइड तुमने डाला ठीक है तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की एंथ्रोपोजेनिक मीन से नेचुरल सिलेक्शन जो होती है उसके एग्जाम्पल थी मैनमेड की एग्जाम्पल है यस yes. तो कई बार बेटा ये भी क्वेश्चन आता है इनमें से एंथ्रोपोजेनिक मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कौन सा है या एवोल्यूशन जिसमें मैनमेड की वजह से हुई तो तुम बोलोगे नेचुरल मेलनिज्म एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस अब ये कहते हैं कि एवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस कि पहले से सोच के नहीं आए कि मुझे यही बनना है इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन एवोल्यूशन क्या है एक स्टोकैस्टिक प्रोसेस है बेस्ड ऑन चांस इवेंट कि भैया जैसा नेचर होगा वैसा हो लेंगे ठीक है जैसे पहले के मामले में बात करूं 2010 में नीट का या फिर ऑल इंडिया पीएमटी का एग्जाम मेंस और प्रीलिम्स प्रे, होते थे है ना उनको सब्जेक्टिव भी लिखना पड़ता था पेपर और प्रीलिम भी देना पड़ता था जो लोग प्रीलिम क्लियर करते थे वो सब्जेक्टिव देते थे आपके पेरेंट्स अगर डॉक्टर है तो आपको इस चीज का आइडिया होगा ठीक है इस चीज का आपको आइडिया होगा तो वहां पे जो तैयारी होती थी वो उस हिसाब से होती थी लेकिन आज के समय हमें चेंज होना पड़ेगा ना अब हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल मल्टीपल चॉइस के हिसाब से है यानी कि जैसा अपना माहौल होगा जैसा नेचर होगा उस हिसाब से एवोल्यूशन चलेगा ठीक है मान लो आज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो पेड़ है वो काला हुआ है इसीलिए मेलेनिज्म आया मान लो कल को पेड़ लाल आ जाता तो नेचर बेटा लाल वाले को सिलेक्ट करती काले वाले को नहीं करती तो जो लाइट विंग है वो लाल में चेंज हो जाती है मान लो कल को पेड़ नीला हो जाता तो यार नेचर ने वाइट नीले में चेंज होता रेड में चेंज नहीं होता ठीक है जी तो इट्स अ तो स्टोकास्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन द चांस इवेंट इन नेचर एंड द तो चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन में कुछ भी डायरेक्टेड नहीं होता कि मुझे यही बनना है नेचर के हिसाब से चेंज होता रहता है यस बच्चों क्या ये बात समझ आया मुझे तो दिख ही नहीं रहा यार किसको तुम कह रहे हो बेटा आई कांट सी हिम जिसका तुम नाम ले रहे हो आप लोग ब्लॉक कर दीजिए बेटा मुझे तो दिख भी नहीं रहा मैंने मैंने मेरे ख्याल से से इस बच्चे को पहले से किया है तभी आई कांट सी हिम ऑन दिस चैनल यू गाइज ब्लॉक हिम आई कांट सी हिम मुझे नहीं दिख रहा बेटा आई कांट रियली सी हिम बेटा आपको करना पड़ेगा मैं कर चुकी हूं अपने एंड से तभी मुझे नहीं दिखता वो कर दिया आपने हाँ आप भी कर दोगे तो हो जाएगा भैया कौन आ गए स्पैमर स्पैमरों की कमी नहीं है वैसे हमारे में स्पैमर्स की बेटा जी कमी नहीं है चलो जी तो यार ये बात हो गई अपनी नेचुरल सिलेक्शन की ओके चलिए नेक्स्ट अपने लोग चलते हैं हार्डिवेनबर्ग इक्विलिब्रियम कर ले हार्डिंग बताना मैं बेसिक्स थोड़े से बता देती हूँ अगले पंद्रह मिनट में एंड देन बेटा आपने जो उसका डिटेल है वो अपने करेंगे स्पेशल क्लास में मतलब उसके जो क्वेश्चन हैं वो अपने करेंगे स्पेशल क्लास में हाँ जी करें हार्डि का बेसिक या फिर हार्डी विनबर्ग बेटा मैं पूरा ही आपको तब कराऊंगी बट थोड़ा सा थ्योरी भी है इसमें वो थ्योरी देख लेते हैं तो यार दो साइंटिस्ट थे एक थे थे एक एक हार्डी इन्होंने एक तरीका निकाल लिया ध्यान से सुनना बेटा बस दस मिनट का ही है इसके बाद तो बस रट्टा मारने वाला चैप्टर है कुछ नहीं बचा इसमें हां जी इन्होंने बेटा तरीका निकाल लिया एक थे हार्डी और एक कौन थे बियनबर्ग इन्होंने निकाल लिया तरीका चीज का तरीका निकाला बेटा जी इन्होंने इन्होंने तरीका निकाला कि भैया मैं पता लगा सकता हूं कि इस पॉपुलेशन के अंदर एवोल्यूशन हुई है या फिर नहीं हुई है ये इस चीज का पता लगा सकते हैं ठीक है ये जो इक्विलिब्रियम है ये सिर्फ पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल है बेटा इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल नहीं है पॉपुलेशन ये कहते हैं हां जी ये इक्विलिब्रियम क्या कहता है इक्विलिब्रियम कहता है दैट इफ पॉपुलेशन जहां पर एवोल्यूशन नहीं हुई है जहां पर एवोल्यूशन नहीं हुई है वहां पर जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है अलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो कैसी रहती है कांस्टेंट रहती है समझना कांस्टेंट रहती है यानी कि स्टेबल रहती है क्या कहते हैं कि मान लो एक पॉपुलेशन के अंदर एक पॉपुलेशन के अंदर एक कैपिटल ए अलील है एक स्मॉल ए अलील है और बेटा करसिव ए अलील है एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूं अब इस पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आया एवोल्यूशन हुई नहीं तो यार आज भी इसके अंदर ये तीन अलील है आज से 20 साल बाद भी तीन होंगे आज से 30 साल बाद भी यही तीन प्रस्तुत होंगे यानी कि स्टेबल है जो अलील पहले थे वही आज है जो उनकी फ्रीक्वेंसी पहले थी वही आज फ्रीक्वेंसी है यानी कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कॉन्स्टेंट इसका मतलब है जो जीन पूल है जीन पूल है उसका वो कांस्टेंट रहता है कि भैया वही तीन अलील होने हैं कैपिटल ए स्मॉल ए वो क्या रहेगा आपका? रहेगा आपका कांस्टेंट यानी कि टोटल नंबर ऑफ अलील ना तो कोई जा रहा है ना कोई नया आ रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए और करसेवे ये तीन ही रहेंगे कॉन्स्टेंट रहेगा यानी कि सम टोटल ऑफ अलीलिक फ्रिक्वेंसी टोटल ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन्स वन रिमेन्स वन क्या मतलब है इसका क्या मतलब है इसका बता दो पोल कांस्टेंट रहेगा लेकिन शर्त है इसमें शर्त ये है कि एवोल्यूशन नहीं होनी चाहिए कुछ फैक्टर्स हैं जो भी हम स्टडी करेंगे वो सब नहीं होना चाहिए तो भैया ये कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल होंगी चलिए मान लेते हैं कि दो अलील है पॉपुलेशन के अंदर दो अलील कर लेते है. दो अलील है इसको समझना गाय समझना तभी तुम्हें न्यूमेरिकल समझ आएंगे जो मैं कल कराऊंगी कल की क्लास में स्पेशल क्लास में होंगे एक अलील है कैपिटल है, ए और स्मॉल पी है स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी है, वो, है, है. जो वो क्या है स्मॉल क्यू सो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील अब आप ये मान के चलिए कि इस पॉपुलेशन में एवोल्यूशन नहीं हुआ है यानी कि ये पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है तो इस लाइन को पढ़ो सम टोटल ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसी विल बी वन अगर इक्विलिब्रियम इक्वलिब्रियमेंटेन है फ्रीक्वेंसी क्या है पी और क्यू यानी कि इसके मद्देनजर रखते हुए पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए? होना चाहिए चाहिए yes, यस एक फॉर्मूला तो बन गया ना एक फॉर्मूला बेटा यहां पर अपना बन गया दैट इज पी प्लस क्यू इक्वल टू वन ओके नेक्स्ट चीज आती है भैया ये लील ऐसे तो नहीं प्रेजेंट है ये लील कॉम्बिनेशन भी तो बनाएंगे है ना कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे कैपिटल ए कैपिटल ए बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा और स्मॉल ए स्मॉल ए बनेगा ठीक है ये होमोजाइगस डोमिनेंट ये और ये रिसेसिव capital A, capital A का फ्रीक्वेंसी कितना टू पी क्यू स्मॉल फ्रीक्वेंसी कितना होता है क्यू बी वन यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा पी स्क्वेर प्लस क्यू स्क् प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू वन है ना इज इक्वल टू वन विच इज देशन ऑफ पी प्लस क्यू का होल स्क्वल टू वन यस बच्चों तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी पी और क्यू है अलीलिक कॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी की वो अलील मिलके क्या बना सकते हैं तो होमोजाइगस डोमिनेंट बनाएंगे या हाइड्रोजाइगस बनाएंगे या होमोजाइगस रिसेसिव बनाएंगे ठीक है तो ये दो फॉर्मूले अपने यूज करेंगे कौन से p प्लस क्यू इक्वल टू वन और पी स्क्र प्लस क्यू स्क्सू पी क्यू इज इक्वल टू वन कब यूज करेंगे जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराना सिखाऊंगी प्रॉपर आपकी क्लास लूंगी स्पेशल क्लास पे अब कहते हैं अब कहते हैं ये कहते हैं कि ये p प्लस क्यू इक्वल टू वन तभी होगा अगर रेवोल्यूशन नहीं है तो

जिसमें में विच फॉलोज हार्ड इविनब इक्वलिब्रियम फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ड इविनबर्ग इक्विलिब्रियम या फिर कुछ कंडीशन है तभी हार्ड इविनबर्क -e काम करेगा पहला कंडीशन है कि यार पॉपुलेशन छोटा नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन लार्ज होना चाहिए पॉपुलेशन शुड बी लार्ज ठीक है लार्ज का मतलब है कोई बाहर से आ रहा है या अंदर से जा रहा है फर्क नहीं पड़ना चाहिए छोटा होगा तो फर्क पड़ेगा ना यार छोटा होगा तो फर्क पड़ेगा पॉपुलेशन शुड बी लार्ज अगर तुम चाहते हो इक्विलिब्रियम चले नेक्स्ट चीज है कि कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए नो no म्यूटेशन अगर म्यूटेशन नहीं होगी तभी तो कैपिटल ए स्मॉल ए करसी में रहेगा म्यूटेशन होगी तो कुछ नया पैदा हो जाएगा म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए अगर इक्विलिब्रियम में रहना चाहते हो तीसरा कहता है कि भैया रैंडम मेटिंग होनी चाहिए रैंडम मेटिंग होनी चाहिए तभी इक्विलिब्रियम काम करेगा सिलेक्टिव मेटिंग नहीं करा सकते तुम ठीक है यस नेक्स्ट है एवरी इंडिविजुअल एवरी इंडिविजुअल शुड रीच रिप्रोडक्टिव एज Should reach reproductive age. जो जरूरी है अब कुछ ऐसी चीजें जो डिस्टर्ब करती है हार्ड विनवर्क को तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ड यू विनवर्क थक तो नहीं गए बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ड यू विनबर्क इक्वलिब्रियम कल जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तब आपको पता चलेगा हाँ जी पहला फैक्टर कि भैया म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए देयर शुड नॉट बी म्यूटेशन ये तो हमने वैसे पहले ही पढ़ लिया म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए म्यूटेशन बेटा डिस्टर्ब कर सकती है यानी कि अगर म्यूटेशन हो गई तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नेक्स्ट चीज अगर बेटा जीन माइग्रेशन हो गई तो ये चीज डिस्टर्ब है ना कोई बाहर आ बाहर से अंदर आ गया नया कनाडा से इंडिया में आ गए डिस्टर्ब हो गया ना हमारा इक्विलिब्रियम है ना हमारे यहाँ से उठ के ऑस्ट्रेलिया चले गए इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया राइट डिस्टर्ब हो गया और क्या डिस्टर्ब करता है थोड़ा सा ना जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में अभी बता देती हूँ कि क्या आइटम है इसमें क्या क्या आपको जानना है हां जी बेटा ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन में ही काम करता है जेनेटिक ड्रिफ्ट पता क्या होता है सडन चेंज इन स्मॉल पॉपुलेशन अचानक से कोई चेंज आया नो सर्वाइवल एडवांटेज कोई सर्वाइवल एडवांटेज भी नहीं है फायदा भी नहीं है ऐसे ही आ गया बस चेंज ठीक है राइट right. जैसे आपने क्लास टेंथ में बीटल्स वाला केस पढ़ा बताना किस किस को बीटल्स वाला केस याद है किस किस को बीटल्स वाला केस याद है टेंथ में पढ़ते थे बेटा हाँ जी टेंथ में एवोल्यूशन था अब पता नहीं तुम कोविड बैच के हो तो एवोल्यूशन कट गया था कोविड बैच है क्या तुम्हारा हाँ जी कोविड बैच है हाँ एलिफेंट वाला केस यस मैं थोड़ा सा ना बता देती हूँ आपको बीटल का क्या केस था मैं फोटो ढूंढती हूँ अगर मुझे मिलती है तो <coughs> लेटमी जस्ट सर्च हम्म मिल गई मिल गई मिल रहा मिल गई कमिंग राइट अवे कमिंग 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 ओके पहले क्या थी? अपने बस बीटल थी. हरी पत्ती पे बैठती थी ये बीटल इन बीटल को खाने वाले थे क्रो तो जब हरी पत्ती पे लाल रंग की बीटल बैठती थी तो क्रो को दिख जाती थी ग्रीन पे रेड तो दिख जाएगा ठीक है फिर इन पत्ती में एक बड़ा बहुत बढ़िया बेनिफिशियल चेंज आया क्या कि कुछ बीटल क्या हो गई उनमें चेंज आया म्यूटेशन हुई और वो ग्रीन कलर की हो गई तो भैया बढ़िया क्रो को ग्रीन वाली नहीं दिखाई देती थी तो ग्रीन वाली के मजे हो गए रिप्रोडक्टिवली फिट हो गई इसने बेटा अपनी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करनी शुरू हो गई धीरे धीरे बेटा ग्रीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती गई ठीक है रेड जो है वो कम होती गई क्योंकि क्रो को सिर्फ रेड दिखती थी और अल्टीमेटली बेटा आप देखेंगे जो रेड वाली पॉपुलेशन है वो पूरी किस में बदल चुकी है ग्रीन वाली में यानी कि जो पहला चेंज हुआ है इस पहले चेंज ने क्या डिपेक्ट किया है नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन बेटा फायदे का चेंज होता है सर्वाइवल एडवांटेज होती है फायदा होता है तो यहां पर भैया इसको फायदा हो रहा था रेड टू ग्रीन में फायदा हुआ ठीक है नेचुरल सिलेक्शन अब अगला देखो अगला देखो ये रेड कलर की बीटल थी इसमें चेंज क्या आया ब्लू कलर का चेंज आया अब सोचने वाली बात है क्या कोई फायदा है इसका क्या कोई फायदा है कि यार अगर ग्रीन पत्ती पे रेड दिख सकती है तो ग्रीन पत्ती पे ब्लू भी तो दिख सकती है ठीक है तो जितने अच्छे से क्रो को रेड दिख रहा था उतने अच्छे से क्रो को ब्लू भी दिख रहा था कोई फायदा नहीं हुआ ठीक है कोई फायदा नहीं हुआ तो यार ब्लू वाली इतनी नहीं बड़ी फिर बेटा आया एक सडन चेंज अचानक से एक चेंज आया कौन आया हाथी आ गया हाथी आया और हाथी ने इस हिसाब से तुम देख रहे हो हाथी का पाँव देखो हाथी ने इस हिसाब से पाँव रखा कि सारी रेड वाली मर गई सिर्फ कौन बची नीली वाली बची अब नीली वाली बची है तो यार वही मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि यहां पर भी चेंज हुआ ओरिजिनल पॉपुलेशन रेड थी लेकिन अब जो पॉपुलेशन है वो ब्लू हो चुकी है लेकिन इस चेंज का कोई फायदा नहीं है यार क्रो तो तो इसको भी देख लेगा तो ऐसा चेंज जिसका कोई फायदा नहीं है नो सर्वाइवल एडवांटेज जो कि स्मॉल पॉपुलेशन में ही कारगर है स्मॉल में ही कारगर है बेटा एलिफेंट छोटी पॉपुलेशन में ही ऐसा कर सकता है बड़ा पॉपुलेशन हो तो क्या एलिफेंट के पैर से पता चलेगा इस चेंज को अपने लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट ये जो चेंज है ये क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि चेंज है बट इसका कोई बेनिफिट नहीं है नॉन डायरेक्शनल फैक्टर कोई डायरेक्शन में नहीं जा रहा नेचुरल सिलेक्शन का एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है कि अपने को फिट होना है एनवायरमेंट के हिसाब से ये कहीं भी चला जाएगा ठीक है ये कहीं भी चला जाएगा ओके okay जी पता चला पता चला सो so ये है अपना जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ आ गया हाथी वाला केस हाथी वाला केस ठीक है सीवल राइट इफेक्ट ओके okay. अब जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजें अपने लोग पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे फाउंडर इफेक्ट और एक पढ़ेंगे बॉटल नेक इफेक्ट यस फाउंडर्स इफेक्ट और एक पढ़ेंगे बॉटल नेक इफेक्ट बॉटल नेक इफेक्ट जी बेटा फाउंडर्स इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट रेडी है पढ़ने के लिए हाँ जी फाउंडर इफेक्ट क्या कहता है कि भैया एक पॉपुलेशन थी इस पॉपुलेशन में ए भी रहता था बी भी रहता था सी भी रहता था डी भी रहता था और ई e भी रहता था ठीक है यस अब इसमें से बी निकलकर इसी जगह पे नजदीक कहीं और चला गया और उसने अपनी वहां पर एक नई दुनिया बसा ली मां मैं घर छोड़ के जा रहा हूं मैं घर छोड़ के जा रहा हूं और कहाँ चले गए कहाँ चले गए ऑस्ट्रेलिया चले गए वहां कोई इंडिया नहीं नहीं वहां खुद रह रहे हैं अकेले जाके पहले की बात कर रही हूँ उन्होंने अपनी नई दुनिया बसाई वहां पर यानी की, यानी कि कि एक जगह से निकला हुआ व्यक्ति दूसरी जगह का फाउंडर पॉपुलेशन का बन चुका है फाउंडर ऑर्गेनिज्म बन चुका है ठीक है दिस इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट कि एक बड़ी सी पॉपुलेशन में से अगर कोई निकल के जाता है और एक नई जगह पे सर्वाइव करता है अपना ग्रो करता है नया स्पीशी में कन्वर्ट होता है दिस इज फाउंडर्स इफेक्ट वहां का फाउंडर बन चुका है ऐसा आपने कहां पर देखा गैलापागोज आइलैंड में देखा ऐसा अपने ने कहां पर देखा गैलापागोस आइलैंड में देखा नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा बॉटल नेक आपने बेटा एक बॉटल देखी है ये मैं टेढ़ी बनाती हूं. यहां पे जगह नहीं है ना ये देखिए बॉटल का एक नेक होता है जो बॉटल का नेक होता है पतला होता है जैसे बॉटल है ये देखो जो डायमीटर नीचे का है क्या वो डायमीटर ऊपर का है नहीं इसका जो नेक है वो पतला है ऐसा अपने ने बॉटल नेक इफेक्ट कहाँ देखा अफ्रीका में देखा कहां पर देखा बच्चों अफ्रीका में देखा था अफ्रीका में खूब चीता थे ठीक है अफ्रीका में चीता खूब थे बड़े मजे से चीता रह रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी फिर बेटा कुछ लोगों के अंदर चूल आई कि भैया मुझे हंटिंग करनी है मैं राजा महाराजा के उसका हूं और मुझे क्या करनी है हंटिंग करनी है तो भैया हंटिंग करने गए वो स्पेसिफिकली टारगेट किसको करते थे चीता को करते थे तो यार इतनी बड़ी सी पॉपुलेशन में से ड्यू टू हंटिंग क्या हुई चीता की हंटिंग हुई पोचिंग हुई इस वजह से नोटिस किया गया कि अफ्रीका की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जो चीता है उसका पॉपुलेशन कम हो गया और धीरे धीरे तो चीता क्या हो गए एक्सटिंक्ट हो गए है ना धीरे धीरे बेटा जी चीता क्या हो गए एक्सटिंक्ट हो गए साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस हो गया इनका और ये जो चेंज हुआ है ना बॉटल के नेक में से चीता निकल तो गया बट क्या इतना बड़ा चीता वापस घुसा सकते हो नहीं घुसा सकते ये जो चेंज हुआ है दिस इज नॉट रिवर्सिबल ये आप उल्टा नहीं कर सकते कि बॉटल में से तुमने तुमने बहुत सारे जेम्स निकाल लिए क्या वापस फेंक के जा सकते हैं बड़े साइज के नहीं फेंक के जा सकते हैं दिस इज नॉट रिवर्सिबल चेंज

चलो तो क्या कर रहे थे फैक्टर्स इज इफेक्टिंग हार्डिव इनबर्ग तो अपने ने फैक्टर कर लिए थे म्यूटेशन जीन माइग्रेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट चौथा फैक्टर बेटा जी अपने पढ़ेंगे दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अगर ये होगा तो भी हार्डी विनबर्ग रिकॉम्बिनेशन तो भी हार्डी विनबर्ग डिस्टर्ब हो जाएगा एंड पांचवा आएगा नेचुरल सिलेक्शन अगर नेचुरल सिलेक्शन हुआ नेचुरल और ये दोनों कट्ठे लिख दिए तो भी हार्डवेयर इन बग डिस्टर्ब हो जाएंगे ओके जी अब नेचुरल सिलेक्शन भी तीन तरीके की हो सकती है नेचुरल सिलेक्शन भी तीन तरीके की हो सकती है जैसे एग्जांपल के तौर पर लीजिए कुछ प्लांट्स मेरे पास क्या है टॉल है उसी पॉपुलेशन में कुछ प्लांट्स क्या है ड्वॉर्फ है ठीक है अब नेचर तीन काम कर सकती है क्या क्या कर सकती है नेचर तीन काम कर सकती है हो सकता है नेचर इस पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ पता किसको करे, करे मीडियम वाले को सिलेक्ट करे सिर्फ मीडियम वाले को करे यानी कि जो अपना ग्राफ है वो सेंटर की तरफ ऐसे बढ़ जाएगा ठीक है मीडियम तो यहां आएगा ना इधर टॉल है इधर डॉर्फ है इधर बेटा मीडियम आएगा एक केस ये हो सकता है दूसरा केस क्या हो सकता है कि नेचर ने सिर्फ और सिर्फ टॉल वालों को ही सिलेक्ट किया और किसी को किया ही नहीं सिर्फ टॉल वालों को सिलेक्ट किया टॉल वालों को सिलेक्ट करने का क्या मतलब है टॉल वालों को बेटा जी सिलेक्ट करने का क्या मतलब है कि जो ग्राफ है वो एक साइड पे जाएगा ये देखिए ग्राफ जो है वो एक साइड पे आ गया यानी कि टॉल वाले ही सिलेक्ट हुए ना मीडियम वाले हुए ना फिर डॉफ वाले हो गए ओनली टॉल और तीसरा क्या हो सकता है बोथ टॉल एंड डॉफ ऑफ सिलेक्ट हो गए ठीक है और अपने मीडियम वाले रह गए यानी कि इस केस में जो ग्राफ है वो कैसा आएगा इस तरीके से ग्राफ आएगा तो तीन तरीके की सिलेक्शन हो सकती हैं बेटा आइदर द मीन वैल्यू इज सिलेक्टेड ये मीन वैल्यू है ना मीडियम वाली इन दोनों का मीन है इन दोनों का मीन क्या है मीडियम फर्स्ट केस में द मीन वैल्यू इज सिलेक्टेड सेकंड केस में वन ऑफ द एक्सट्रीम इज सिलेक्टेड एंड थर्ड केस में बोथ द एक्सट्रीम्स आर सिलेक्टेड देख रहे हो पहले टाइप की जो सिलेक्शन है जिसमें मीन वैल्यू सिलेक्ट होती है इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हां जी सेकंड वाली जो सिलेक्शन है जिसमें एक एक्सट्रीम सिलेक्ट हो रही है जैसे हमने इंडस्ट्रियलाइज इंडस्ट्रियल मेलनिज्म में देखा दिस इज डायरेक्शनल सिलेक्शन एक डायरेक्शन में चला गया ना एग्जाम्पल इज इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट वाले की तरफ गए और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क वाले की तरफ गए तीसरा है जिसमें दोनों एक्सट्रीम सिलेक्ट हो रहा है लेकिन मीन सिलेक्ट नहीं हो रहा है इसका है डिसरप्टिव सिलेक्शन इसको क्या बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन गॉट इट ये आता है बेटा आता है आपको एग्जांपल दी होगी कि एक बच्चे का वेट है ये बच्चे का वेट दो किलो या दो से छह किलो के बीच में होता है तो जनरली जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो सारी आपकी साढ़े तीन किलो की आ गई तो कौन सी सिलेक्शन है तो तुम देखोगे कि मीन वाले किलो की आई दो और छह का मीन क्या है साढ़े तीन के करीब तो यार वाली सिलेक्ट हो रही है दैट इज गोइंग टू बी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन तो अगर मीन वैल्यू फेवर होती है तो स्टेबलाइजिंग अगर वन ऑफ द एक्सट्रीम आइदर टॉल और फेवर हो दैट इज डायरेक्शनल और अगर बोथ एक्सट्रीम हो मीन वैल्यू फेवर ना हो दैट इज गोइंग टू बी ओके देख लो एक बार फटाफट से बताओ इसका ग्राफ बेटा आपका एनसीआरटी में ही बना हुआ है मैं दिखा देती हूं फोटो ये है बेटा इसकी फोटो यस हाँ जी बेटा तो करें नेक्स्ट टॉपिक पे बताना कल सुक्कू थी आज, है। आज कोई फुकू से बातें चल रही हैं पता नहीं किस फुकूओं से बातें करते रहते यार समझ नहीं आता मुझे तुम्हारा लास्ट टॉपिक इज ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन जिसमें अपन ने सिर्फ बातें ही करनी है कुछ चीजें याद करनी है क्या करनी है कुछ चीजें याद करनी है चलो आ जाओ मेरे साथ चैप्टर खत्म कर रहे हैं बेटा ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन कल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है बेटा इसी समय और कल शाम को हार्डी बिनब इक्विलिब्रियम की न्यूमेरिकल्स की क्लास लगेगी ओके okay, क्लास लगेगी सो so, ये कहते हैं यूनिवर्स अपने ने पढ़ा फटाफट से आंसर देते जाओ फटाफट फ़्ट से बेटा आंसर देते जाओ कितने साल पहले बना 20 बिलियन ईयर लास्ट के 10 मिनट बस मुझे चाहिए बेटा यूनिवर्स बस फॉर्म 20 बिलियन ईयर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर आंसर आना चाहिए अर्थ के ऊपर लाइफ कब आई तुम बोलोगे लाइफ आई फोर बिलियन ईयर्स अगो इन दोनों के बीच में गैप कितने साल 500 million years का पांच सौ मिलियन ईयर्स का गैप है ठीक है देन बेटा इस लाइफ में जो फर्स्ट नॉन सेल्युलर फॉर्म आया फर्स्ट नॉन सेल्युलर फॉर्म यानी कि किसके बारे में बात हो रही है आर एन ए आया वो कितने साल पहले आया थ्री बिलियन ईयर अगो ये याद करना है दिस इज अ अटा विच इज गिवन इन एनसीआर इट कैन कम इट कैन कम एज अ वेरी सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ठीक है देन बेटा फर्स्ट सेल्युलर फॉर्म आई फर्स्ट सेल्युलर फॉर्म आई कब 2000 मिलियन ईयर अगो ठीक है अब यार ये नॉन सेल्युलर से अपने कन्वर्ट होके गए कैसे बने ये अपने को क्लियर नहीं है दिस इज नॉट क्लियर ये चीज अपने को क्लियर नहीं है ठीक है फिर धीरे धीरे जो सेल cell बने सेलुलर फॉर्म आ चुकी है यानी अपने पास क्या बन चुके हैं सेल बन चुके हैं इन सेल्स ने बेटा धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस करना आरंभ कर दिया समझो इन सेल्स ने धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस करना आरंभ कर दिया फोटोसिंथेसिस करेंगे तो यार ऑक्सीजन रिलीज करेंगे है ना फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या रिलीज करेंगे ऑक्सीजन रिलीज करेंगे क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगी उससे ऑक्सीजन रिलीज होगा अल्टीमेटली अल्टीमेटली बेटा धीरे धीरे ये जो एक सेल था उसने कन्वर्ट होना शुरू कर दिया मल्टी सेल्युलर में मल्टी सेल्युलर फॉर्म में कन्वर्जन चालू हो गई ये ब्रीफ अकाउंट हिस्ट्री चल रही है बेटा क्या चल रही है हिस्ट्री चल रही है पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. ठीक है अब यूनिसेलर से मल्टी सेलर में कन्वर्ट हुए फिर बेटा 500 मिलियन साल पहले की बात है 500 मिलियन इयर्स अगो क्या हुआ एवोल्यूशन ऑफ इनवर्टिब्रेट किसका एवोल्यूशन हुआ इनवर्टिब्रेट्स आए ठीक है देन और नजदीक आओ 350 मिलियन इयर्स अगो क्या हुआ एवोल्यूशन ऑफ जॉलेस फिशेस जॉलेस फिशेस एज इट इज बेटा जितनी अच्छे से याद कर लोगे उतना बढ़िया रहेगा एक गुना था ठीक है देन बेटा 320 million years ago, हमने क्या देखना शुरू कर दिए प्लांट्स भी देखना शुरू कर दिए ओके okay, जी फ्यू प्लांट्स भी अपने ने देखना शुरू कर दिए पहले पानी में आए थे फिर अपने प्लांट्स कहां पर आ गए थे लैंड में आए थे ठीक है देन बेटा इसी समय ये 350 मिलियन ईयर्स अगो के समय की अगर मैं बात करूं कुछ फिशेस ने पानी छोड़ा लेफ्ट वाटर लेफ्ट वाटर एंड एंटर्ड इनटू द लैंड ठीक है किस पे चली गई लैंड पर चली गई और ये अपने ने देखा 1938 की बात है साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में अपने एक फिश देखी सीलो कैंथ कौन सी फिश देखी सिलो कैंथ ये जो सिलो कैंथ है ये पानी से पानी से निकल के कहां पर चली गई लैंड पे चली गई ये काम तो कौन करते हैं एम्फीबियन तो यार इसको बोला जाता है एनसेस्टर ऑफ एम्फीबियन ये कौन कहलाई बेटा एनसेस्टर ऑफ एम्फीबियन कहलाई

ठीक है रेप्टाइल को असल में पता क्या बोला जाता है फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स लैंड पर आने वाले पहले वर्टिब्रेट कौन थे प्रॉपरली लैंड पर एम्फीबियन आए थे बट प्रॉपरली नहीं आए थे स्टिल दे वर डिपेंडेंट ऑन वॉटर बट रेप्टाइल बेटा सबसे पहले आए थे कब आए थे 2000 मिलियन इयर्स अगो दे डोमिनेटेड रेप्टाइल्स डोमिनेटेड एट दिस टाइम और ये क्यों सक्सेसफुल हुए इस वजह से सक्सेसफुल हुए क्योंकि जो इनके अंडे थे ना एग का शेल था वो बड़ा थिक था मोटा था ठीक है अब देखो बाहर आ रहे हैं तो सूखने का बड़ा डर रहता है तो इन्होंने अपने एग का शेल क्या रखा था बड़ा थिक रखा था जिससे इनके अंडे सूखते नहीं थे प्रिवेंट्स डेसिकेशन ओके तो ये इनमें चेंज आया था पहले जो अंडे थे वो सूख जाते थे इसलिए वो पानी के अंदर ही सर्वाइव करते थे अब जो अंडे लैंड पे करना चाहते हो उसकी वजह से बेटा तुम्हें उसका जो शेल है वो थिक रखना पड़ेगा ताकि वो सूखे ना चलिए रेप्टाइल की बात करें रेप्टाइल की बात करें वैसे तो बेटा पूरे लैंड पे आ चुके हैं लेकिन बेटा कुछ वाटर ड्वेलिंग रेप्टाइल्स भी हैं पानी में भी घूमते हैं थोड़े बहुत रेप्टाइल्स एग्जांपल इज इक्सोरस वेरी इंपॉर्टेंट क्या एग्जांपल है इक्थियोसोरस याद रहेगा यस अगर कोई पूछे वाटर ड्वेलिंग रेप्टाइल बताइए तो आप क्या बताएंगे किसका नाम बताएंगे इक्थियोसोरस ये सब डेटा लर्न करना है मैं हवा में ये चीज नहीं लिखवा रही हूं दिस इज नॉट लाइक जियोलॉजिकल टाइम स्केल कि वो छोड़ सकते हैं ये नहीं छोड़ सकते ये जो मैंने दो तीन पेजेस पे लिखवाया है ना बेटा ये नहीं छोड़ सकते हैं हां जी आ जाओ नेक्स्ट आते

क्रोकोडाइल मॉडर्न रिप्टाइल यानी कि डायनोसॉर और क्रोकोडाइल इन्हीं से बने मॉडर्न बर्ड्स भी यहां से बने सोरेपसिड्स से मॉडर्न बर्ड्स देन आई साइनापिड साइन एपसिड इवॉल्व इन टू पेलीको सॉरस पेलीकोसॉरस एंड थे ये जो अपने पेलीकोसॉरस है ना ये बेटा अल्टीमेटली हो गया एक्सटिंक्ट और जो थेरापसेड्स है ये बन गए मॉडर्न डे मैमल्स मॉडर्न डे मैमल्स मैमल्स ओके बच्चों पता चल गया दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल रेप्टल अर्ली रेप्टाइल इन टू एंड साइन अल्टीमेटली किससे मॉडर्न डे बर्ड्स बने मॉडर्न डे रेपाइल बने और मॉडर्न डे मैमल्स बने तो यहां से आपको क्लियर होता है कि रेप्टाइल से ही अल्टीमेटली बर्ड इवॉल्व हुए और रेप्टाइल से ही अल्टीमेटली मैमल्स इवॉल्व हुए और ये कहानी मैंने कहां से ली है ये कहानी बेटा मैंने यहां से ली है अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे इस इमेज को बेटा जी ध्यान से देखिए ये देखिए ये रही इमेज कि अर्ली रेप्टाइल मैंने उसी को फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दिया ताकि तुम अच्छे समझ पाओ अर्ली रेप्टाइल इवॉल्व इनटू टू एंड साइनापेड फिर बेटा सरोपसिड्स जो थे वो

हाँ जी दिख रहा है इस इमेज को बेटा ध्यान से देखिए इस इमेज को ध्यान से देखिए हाँ जी दिस वन इज ब्रेक्यो सोरस एवरी वन केन सी गुड इमेज कहां सी यू गाइज हा ब्रेक्यो स्टैगोसोरस बेटा जिसके ऊपर इस तरीके से हॉन्स टाइप दिखाई दे रहे हैं कि एक मिसिंग लिंक है रेप्टाइल और बर्ड के बीच में क्रोकोडाइल टेरोडॉन टेरेनोसोरस रेक्स के बारे में भी लिखते हैं एंड देन इन सब का बेटा इमेज आपके माइंड में बिल्कुल फिट होना चाहिए टॉकिंग अबाउट लिटिल बिट अबाउट रेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है टायरेनो रेक्स ये जो है ना ये कार्निवोर है ये क्या है कार्निवोर है कम से कम 20 फीट बेटा समझते हो 20 फीट इन हाइट

क्लाइमेट चेंज क्योंकि अब टेम्परेचर बेटा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था या फिर बेटा मोस्ट ऑफ देम देवल्व इनटू बर्ड्स इनटू बर्ड्स ठीक है सो दिस इज योर रेक्स ये बैठा कार्निवोर डागर लाइक दांत की तरह बाइपेडल दो पैरों पर चलने वाला याद करना बेटा मेरे साथ साथ ठीक है कर रहे हैं याद चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब यार रेप्टाइल से बर्ड्स आए रेप्टाइल से क्या है मैमल्स नेक्स्ट कमिंग टू एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स यस अगर अपने देखे फॉसिल्स ऑफ अर्ली मैमल तो पता है किसकी तरह दिखाई देते थे श्रूज की तरह दिखाई देते थे फॉसिल ऑफ अर्ली मैमल्स दे अपियर लाइक दैट ऑफ श्रूज कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि बर्ड से मैमल बने नहीं बेटा रेप्टाइल से ही बर्ड बना और रेप्टाइल से ही मैमल बना ठीक है यहाँ पर एवोल्यूशन एक ट्री की तरह काम कर रही है एवोल्यूशन इज नॉट लाइक सीढ़ी ये हमने क्लास टेंथ में पढ़ा था ये बेटा स्टेप्स की तरह नहीं होती है कि एक ए से बी बी से सी सी से डी एवोल्यूशन एक्चुअली रिजेंबल्स ब्रांचेस ऑफ ट्री कि यार ए से अगर बी है तो बी के आगे ब्रांचेस भी हो सकती हैं बी वन बी टू फिर बी टू की ब्रांचेस हो सकती है सी वन सी टू है ना तो इट रिजेंबल ब्रांचेस ऑफ ट्री नॉट लाइक स्टेप्स तो यार बर्ड से मैमल नहीं आए रेप्टाइल से ही बर्ड आए तो जब मैमल की एवोल्यूशन पढ़ रहे थे तो जो अर्ली मैमल का जो फॉसिल था वो किसकी तरह दिखाई देता था श्रूज की तरह और मैमल्स क्या थे अपने वीवी पेरस थे अपने अपने को पता है अपने ने कुछ एक्वाटिक मैमल्स भी देखे जी कौन से देखे सील्स हैं यस सी सील है, सी है। डॉल्फिन है वेल है ये सब एक्वाटिक मैमल्स हैं डॉल्फिन है वेल है ठीक है देन बेटा एवोल्यूशन तो आपकी वैसे अफ्रीका से स्टार्ट हुई थी एंड देन देर केम अ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने और देन माइग्रेशन की वजह से और इवॉल्व होते गए ठीक है तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर बेटा मैंने आपको बताया अबाउट द ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ह्यूमन एवोल्यूशन का लास्ट टॉपिक एनसीआर एक मिनट में सो गई है मेरे से ये रहा ह्यूमन एवोल्यूशन हां जी देख रहे हो ये रहा तो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में आपको क्या याद करना है मैंने ना एक टेबल बनवाती हूं बेटा मैं ढूंढ रही हूं मुझे टेबल मिल जाए तो हाँ मिल गया जस्ट अ सेकेंड कमिंग बेटा दैट टेबल इज कमिंग दिखा दू वो टेबल बेटा एज इट इज आपको याद करना है लेट मी जस्ट शो यू कैन यू सी दिस टेबल ये टेबल बेटा मैंने खुद लिखा है

शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया इसमें जो सवाल आता है, तो है इसके ऑर्डर के लिए आपकी हैंडराइटिंग नहीं है बेटा मेरी है मेरी ना इवॉल्व हो गई है अब थोड़ी सी और बेकार हो अच्छी हो गई है बेकार नहीं हुई है दिस इज माई हैंड राइटिंग हां जी डॉक्टर राम एंड हनुमान वैसे मैंने तो द्राहिंद से बनाया था द्राहिन रामापिथिकस ए ऑस्ट्रेलोपिथिकस ऑस्ट्रेलोपिथिकस बेटा दो से चार मिलीनियर जगह इनकी क्रेनियल बहुत सवाल आता है फोर हंड्रेड टू सिक्स दो पैरों पे चलने वाले वेजिटेरियन स्टोन यूज जानते थे ठीक है इनका फॉसिल अपने को साउथ और ईस्ट अफ्रीका से मिला ओके यस बेटा मेरी ये यार कैसे मतलब समझाएं कैसे समझाएं मैंने कराया हुआ बेटा अपने बैच में हाँ जी देन आए द्राहिन में दी ड्रायोपिथेकस रामोपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस एच से आ जाओ एच पे होमो हैबिलिस होमो हैबिलिस को हैंडीमैन बोला जाता है टू मिलियन ईयर्स अगो क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ गई सिक्स फिफ्टी से एट हंड्रेड ये क्या थे बेटा वेजिटेरियन थे और फैशन थे फैशन यानी कि ये टूल्स जा, बनाना जानते थे स्टोन से फर्स्ट ह्यूमन लाइक ट बेटा ये लाइन में लिखी हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनेट और इनका फॉसिल अपने ईस्ट e, e अफ्रीका बढ़ गई 900 सौ सीसी हो गई और बेटा अब इन्होंने मीट खाना शुरू कर दिया पहले अभी तक सारे वेजिटेरियन थे अब इन्होंने मीट खाना तो इनके दांत तो उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे पोस्चर में बेटा धीरे धीरे झुका हुआ था अब क्या हो गया इरेक्ट हो रहा है फॉसिल्स इनके कहां मिले जावा से मिले ईस्ट अफ्रीका से मिले ठीक है और इनको ये भी पता था कि फायर को कैसे यूज करना है ओके देन द्राहिन, एच ई एन एन पे आ गया नियंडरथल नियंडरथल कब आए कब आए 4000 टू 1 लाख इयर्स एगो इनका क्रेनियल कैपेसिटी हमसे भी ज्यादा है वैसे अराउंड 1600 सीसी तक जाता है ये भी मीट खाते थे अब बेटा इन्होंने कल्चरल चीजें आ गई थी ये लोग किसी धर्म को मानने लग गए थे कि जो डेड बॉडी है इसको बरी करेंगे ब्यूरियल कस्टम आ गया था अच्छे टूल्स बनाते थे और इनका फॉसिल यूरोप और ईस्ट आफ... यूरोप और एशिया से मिला देन आए अपने होमोसेपियंस मॉडर्न मैन मॉडर्न मैन का टाइम पूछा जाता है सेवेंटी फाइव थाउजेंड ईयो इनका ग्रेनल कैपेसिटी नियंट्रोथल से कम है अपना चौदह सौ सी या 1450 सीसी हमने क्या करना शुरू कर दिया अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया कितने साल पहले दस हजार साल पहले केव पेंटिंग्स भी दिखाई दी ठीक है अठारह हजार साल पहले अभी बिम्बेटका केव की मैं एग्जांपल भी दूंगी आपको हमारे में कुछ ज्यादा स्ट्रक्चर में तो चेंज नहीं आया बायोलॉजी में हम लोग नियंड्रथॉल जैसे ही दिखते हैं आज भी लेकिन ज्यादा जो चेंज आया वो कल्चर में आया कि हम लोग सिविलाइज हो गए कपड़े पहनना शुरू हो गए हैं, हमारे रिलेशनशिप बन चुके हैं एक तहजीब आ गई है एक तरीका आ गया है रहने का खाने का उठने बैठने का तो बायोलॉजिकल चेंज ज्यादा नहीं आया लेकिन बेटा अपना कल्चरल चेंज बहुत आया है ठीक है जी तो यार यहाँ पे ध्यान दो तो यार सबको याद रहेगा सब बच्चे मेरे साथ बोले द्राह क्या बोलेंगे द्राहिण द्राहिन ये तो रह गया हाँ जी ड्रायोपिथिकस रामोपितस ऑस्ट्रेलोपिथिकस होमो इरेक्टस एंड नियन्ड्रोथोल मैन और नियन्ड्रोथल के बाद आपका होमोसेपियंस आ गया होमोसेपियंस आ गया ओके okay जी तो यही सब चीजें बेटा आपकी इसमें लिखी हुई है ये जरा फोटो को ध्यान देख लीजिए यहां पर किसको कंपेयर किया गया है कंपेरिजन ऑफ ऑफ एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन तो एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन है हम हैं यानी कि ये भैया बच्चा है बेबी चिंपैंजी और ये बेटा एडल्ट चिंपैंजी है

आगे को निकला वो प्रोट्रूडिंग माउथ है लेकिन इसका हमारी तरह ही ऑलमोस्ट है ओके okay. चलिए सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर ये सारी बातें बेटा मैंने आपको उस टेबल में लिख दी हैं कब आए कब हाँ केव पेंटिंग देख लो वन सच केव पेंटिंग के दियो। का एग्जांपल दिया रॉक शेल्टर इन रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी आपको ये सवाल आ सकता है कि, कि किस केव पेंटिंग की बात करी गई है बिम्बेटका रॉक शेल्टर ऑफ रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी मध्य प्रदेश ठीक है एग्रीकल्चर कितने साल पहले आया दस हजार साल पहले आया ओके जी चलिए तो ये अब एज इट इज याद रखना है द्राहन उनकी क्रिनियल कैपेसिटी उनके फीचर्स कितने साल पहले आए हाउ मेनी मिलियन ईयर ये चीज बेटा आप जब बारी बारी देखेंगे ना आपको ऑटोमेटिकली याद होती जाएगीवल्यूशन बहुत बड़ा चैप्टर था लेकिन मैंने कोशिश की है मैं कुछ नहीं छोड़ रही हूँ पूरी एनसीआर टी हर चीज कराने की कोशिश कर रही हूँ हार्ड्यू विक के जो न्यूमेरिकल है ये मैं आपको अलग से कल सेशन लेके स्पेशल क्लास में कराऊंगी जैसे हमने जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल किए थे जैसे हमने वो करी थी क्या कहते हैं अब डिग्री थी और कल हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म करने वाले हैं तो एक चीज बेटा याद करो एक चीज याद करो हां जी संडे को आपका टेस्ट सीरीज का सेकंड टेस्ट है संडे बेटा आपका टेस्ट है और वो रहेगा रिप्रोडक्शन यूनिट का क्योंकि मैंने रिप्रोडक्शन आपको फास्ट ट्रैक पर पूरा करा दिया आप लिंक ट्री जाकर देखिए लिंक ट्रीज टोटली न्यूली अपडेटेड नाउ मैं आपको टेलीग्राम पे फोटो भेजूंगा मेरा एक लाख इकत्तीस हजार से ज्यादा बच्चे वो ट्रू है वो रियल है, है उसको जरूर ज्वाइन करना क्योंकि मैं वहीं पे सारे पीडीएफ और बहुत सारे मोटिवेशनल चीजें शेयर करती हूँ राइट संडे को रिप्रोडक्शन का फुल यूनिट का टेस्ट है रिप्रोडक्शन का फुल यूनिट का टेस्ट सीरीज है ओके okay? राइट right? चलिए संडे का अपना फाइनल हो गया आज शाम को पांच बजे बेटा टेस्ट है डू एन रोल इन दिस टेस्ट मस्ट अटेंड है सब बच्चों के लिए 25, 50 का टेस्ट होता है एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कोई भी मिस आउट नहीं करेगा अब यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी कि यार किसेंट तो ऑफ तो है साथ ही है सिर्फ क्या लगाना है कोड लगाना है सीप लाइव आप हर टीचर से लाइव लेक्चर अटेंड कर पाएंगे सारे बैचेस को एक्सेस कर पाएंगे और बेटा साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन मेंटोरशिप अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो, तो यार बेस्ट रहेगा जो 2023 के लिए ले रहे हैं उनको थ्री मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कितना थ्री मंथ्स अराउंड नाइन फाइव नाइन नाइन का बढ़ेगा और जो बच्चे 2024 को टारगेट कर रहे हैं अगले साल के लिए उनको लेना चाहिए बेटा बारह महीने बारह महीने में आपको तीन महीने फ्री मिलेंगे यानी कि आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा ट्वेल्व प्लस थ्री यानी कि पंद्रह महीने और पंद्रह महीने ही है तुम्हारे नीट में है ना बेस्ट है कोड मेरी मेंटोरशिप मेरी गाइडेंस के लिए क्या लगाना है सीपलाइव लगाना है साथ ही में चंडीगढ़ में बेटा अपना बैच आ चुका है अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं

आज शाम को पांच बजे एवरी वन टेक केयर करेक्ट अच्छा लगे तो एक कॉमेंट भी जरूर करके जाइएगा